विधानसभा के अंदर बाड़मेर जिले की सभी विधानसभाओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम बाड़मेर जिले के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर लहराना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्माराम। मैं निवेदन करूंगा भाई कवरा राम जी डेलू एड भान जी पंचायत समिति सदस्य जो प्रत्यक्ष रहे भाई कवरा राम जी आप आए और सबसे पहले अपना उद्बोधन दें और उद्बोधनकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि आप केवल सदस्यता अभियान के बारे में ही बोले, पार्टी के बारे में और सदस्यता अभियान के बारे में ही बोले। हेलो, आज आप सभी आरएलपी पार्टी के द्वारा जो सदस्यता महाअभियान रखा गया है इसमें आप सभी मेरे सामने बैठे गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सभी से मैं एक छोटी सी अपील करूंगा ज्यादा नहीं कि आप इस सदस्यता महाअभियान के द्वारा और चुनाव तक एक ऐसी पहल चलाए, सिर्फ सोशल मीडिया को ही माध्यम ना बनाए। मैं देख रहा हूं कि हमारी टीम सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ उससे 10 गुना अधिक धरातल पे पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। सिर्फ सोशल मीडिया कोई माध्यम नहीं, धरातल पे इतना पसीना बहाओ, लोगों से विनम्र व्यवहार के माध्यम से जुड़ो और अपनी जो पार्टी की कार्यशैली है उसके बारे में बताओ। इतना तो कर ही सकते हैं अपन लोग। हमारे नेताजी न दिन देखते हैं न रात, हर समय संघर्ष करते हैं, तो थोड़ा समय अपन भी निकाल सकते हैं। इसलिए सभी से अपील करूंगा कि धरातल पे सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पे कड़ी मेहनत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाई भंवरलाल जी गर्ग आप आए और सबसे पहले अपना उद्बोधन दें। सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर आप अपना उद्बोधन दें भाई भंवरलाल जी गर्ग, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सेड़वा। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, परम सम्मानित मंच, पांडाल में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मेरे बाड़मेर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, आज के इस महासदस्य अभियान जिला स्तरीय बाड़मेर बैठक में आप सभी उपस्थित, इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसी के साथ साथ इस चार साल के अपने मेहनत 2018 में श्रीमान सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जो राजस्थान को तीसरी लोकतांत्रिक शक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया था, वो आज एक तीसरे स्तंभ के रूप में राजस्थान की सत्ता की भागीदार बन रही है। इसी के साथ साथ अपन भी अपने बाड़मेर जिले के सातों विधानसभा में हर स्तर, हर बूथ और यूथ के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ढाणी तक जो नेताजी का मिशन है उसको पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी कांग्रेस के ये गठबंधन और जनता को बारी बारी से लूटने की जो नीतियां है इसको खत्म करेंगे। आप सभी पधारे और इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को ढाणी गांव कस्बे तक पहुंचाए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। एक बार आप जोरदार जयकारा लगाए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हमारे बीच में भाई शेतन राम जी नैन डबोई आप पधारे हैं, आप आए और सबसे पहले अपना उद्बोधन दें सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में। भाई शेतन राम जी नैन डबोई आप आए और सबसे पहले उद्बोधन दें।
दो तीन हम जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, जोर से लगाना है भारत माता की, और एक दो और जयकारा लगाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता महाअभियान को लेकर, और 2023 31 जुलाई से 31 अगस्त तक ये हनुमान जी ने एक अपन लोगों को संदेश दिया है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर हर जगह हनुमान जी को बोलते हो कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, क्योंकि अपन लोगों की अग्नि परीक्षा है कि इस पार्टी के प्रति आप कितने तन मन और धन से एक महीने के लिए कितना सदस्य जोड़ते हो। इसलिए अपने को अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आरएलपी का आज भारत के अंदर सबसे बड़ा है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है, इसलिए अपने को सोशल मीडिया की ही ताकत है जो आज हनुमान सिंह बेनीवाल को इस पार्टी के रूप में यहां तक लेके आए। इसलिए अपन सबको सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर अब काम करने का समय आ गया है, क्योंकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए जो 2018 के अंदर जिस पौधे का निर्माण हुआ, जिस पौधे को हमने रोपा है, उस पौधे को जब हम पानी के रूप में सींचेंगे नहीं तो वो पौधा बड़ा कैसे होगा। इसलिए अपन सबकी ये जिम्मेदारी है तन मन और धन से इस पार्टी के लिए केवल 6 महीने का समय दे दीजिए तो 2023 के अंदर सत्ता से हम दूर नहीं रहेंगे। दोनों पार्टियों को हम लोगों की जरूरत पड़ेगी कि हनुमान जी के बिगैर ये सत्ता मिलना आसान है, क्योंकि हम सब इस सोशल मीडिया के साथ साथ इस पार्टी के लिए केवल आप अभी से हर कार्यकर्ता 2 घंटे का टाइम दीजिए। आप पार्टी की जो जिस मुद्दे को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, उस मुद्दा और विचारधारा को लेकर घर घर जाइए और हमेशा कम से कम एक दिन में आप कम से कम 5 सदस्य जोड़ दीजिए, और अगले को भी बोलो 5 आप जोड़ दीजिए, तो 6 महीने बसे हैं, कितने सदस्य जोड़ेंगे आप ये तुलना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी ने बोला कि 50 लाख नहीं, ये कम से कम 1.5 करोड़ के आस पास पहुंच जाएगा। इसलिए अपन सबको मिलकर आज इतनी बड़ी तादाद में आयो तो ये ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर में भी लोगों में आरएलपी के प्रति जुनून है, वो आप जुनून अपने को सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी लगना है, तब जाके हमारा मिशन 23 पार होगा और आप सब आए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जगह लगे, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चेतन राम जी। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जिले की पूरी तमाम कार्यकारिणी हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। उद्बोधन की अग्नि कड़ी में मैं निवेदन करूँगा भाई ताजा राम जी सियाग आप आए और अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच में दुबई गुड़ामालानी के लोकप्रिय सरपंच आदरणीय हरिराम जी जाजरा पधारे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि हरिराम जी आप आए और सबसे पहले अपना उद्बोधन दें। सरपंच साहब आदरणीय हरिराम जी जाजरा साहब, और अगले कड़ी में तैयार रहे भाई बाला राम जी जाने युवा नेता। ठीक है और बड़े कैमरा राम बैठा लारे कैमरा राम मेघवाल।
पहले अपना बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। आरएलपी पार्टी जिंदाबाद। आज अपन सब इकट्ठे हुए हैं सदस्यगणी में, खासकर एक ही बात है कि सोशल मीडिया धरातल माते पसीनों काटने अपन काम करना है। और सोशल मीडिया माते कई कई भाई साहब सोशल मीडिया माते गलत कमेंट करे, एक ध्यान रखना है अपन कमेंट सही करना है। सोशल मीडिया धरातल माते थोड़ा पसीनों काट दो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, निवेदन रहेगा भाई बालाराम जी जाने आए और सबसे बड़ा उद्बोधन दे। उद्बोधन करता हूं से निवेदन रहेगा कि आप केवल सदस्यता अभियान के ऊपर बोले और सबसे में बोले। भारत माता की। आज अपने पार्टी के सदस्य अभियान को लेकर अपने बीच में गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र से पधारे हमारे किसान नेता हरदाराम जी, सिवाना से सताराम जी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पधारे बाड़मेर के तमाम मेरे पार्टी के साथियों को मेरी ओर से राम राम। अगले एक महीने का समय दिया है नेताजी ने और पार्टी को कम से कम अपने को 25 लाख का टारगेट दिया है। मेरे युवा साथियों, यदि इस बार देखा जाए तो चुनावी साल का बिगुल बज चुका है और अपन यदि आज से भी लग जाएं तो रोज यदि एक बंदा 5 सदस्य को जोड़ता है तो एक महीने में 150 लोग हो जाएंगे। लेकिन इस बार चुनावी साल है, अपन ने पिछले 4 साल में जितनी मेहनत की है इतनी ही मेहनत एक महीने के अंदर करनी है। यदि अपन देखा जाए तो 15 अगस्त आ रहा है, यदि अपन यही अपने का जो डायरी दी है ये अपने 15 अगस्त को स्कूलों में लेके जाएंगे, ग्रामीण लोग आएंगे, आगे मेले भी आ रहे हैं। यदि अपन मेले के अंदर एक टेबल लगा के पार्टी के सदस्यों को जोड़ेंगे तो भी बहुत लोग जुड़ जाएंगे। वर्तमान सरकार ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए जगह जगह खिला रही है, अपन यदि उसी जगह जाएंगे, अपन अलग से एक पार्टी का टेबल लगा के बैठ जाएंगे तो वो लोग खेलने के लिए आ रहे हैं, वो भी अपन से जुड़ जाएंगे। अपने को सिर्फ जाना है, पार्टी के लिए टाइम देना है, यदि अपन वहां जाएंगे तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, चुनावी साल है, कम समय में जितना हो सके इतनी मेहनत कर दो। जितना अपन ने 4 साल में किया वो अब 3 महीनों में करना पड़ेगा। यदि अपन ने मेहनत ज्यादा की तो अपन और मजबूत ज्यादा होंगे। आप सभी यहाँ बाड़ी में रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बालाराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पधारे भाई गेंगरा राम जी मेघवाल, युवा नेता चौटन, और मैं आपसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत के लिए चाहूंगा हमारे बीच में वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच उंडू श्री जय सिंह जी सर हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय जय सिंह जी का स्वागत सत्कार करें। साथ ही हमारे बीच में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जी श्री गजेंद्र चौधरी जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा सबसे उद्बोधन के लिए भाई पंचायत समिति सदस्य प्रताप सिंह रहे भाई तू से जो मजबूत सीट थी प्रधान सुमिता राम जी के सामने जिस शख्स ने संघर्ष किया वो हमारे बीच में मौजूद है। भाई निवेदन रहेगा श्री जसराज जी से आप आए और सबसे पे अपना उद्बोधन दें। भाई जसराज जी से भेजा सर, जसराज जी से निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में आप अपना उद्बोधन दें। जसराज जी वो शख्स है जिन्होंने बाईतू के जो वर्तमान प्रधान है समर्था राम जी चौधरी उनके सामने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और मैं 280 वोटों से आप पीछे रह गए क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने वहां पर गठबंधन कर लिया, इसलिए जसराज जी पीछे रह गए। भाई जसराज जी सो राम राम सा, सभी भाइयों ने राम राम सा, और मंच माते बोलने को पहली बार ही मौको मिलो है इन वास्ते भूलो हो सके। आप सभी में एक ही निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ने अधिक अधिक सदस्यता को प्रोग्राम चले है, बिंग मो जोड़न को कार्यक्रम के मो भाग लेना है
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिश्रा जी। अब मेरा निवेदन रहेगा सदस्य अभियान को लेकर हमें अपना संबोधन से लाभान्वित कराएंगे भाई ओम प्रकाश जी काकड़ भाई, तो आप आए और सबसे पहला उद्बोधन दें और ओम जी से पहले मैं निवेदन करूंगा भाई ग्यामरा राम जी मेघवाल चौपड़ श्री ग्यामरा राम जी मेघवाल युवा नेता चौटन आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। श्री ग्यामरा राम जी मेघवाल आप जोरदार तालियां एक बार बजाएं ग्यामरा राम जी के लिए। धन्यवाद। सभी बाड़मेर जिले से गांव गांव और बूथ बूथ से पधारे हुए सभी मेहमान युवा साथी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और एक जोरदार नारा लगाइए हाथ ऊंचा करके जोरदार वीर तेजाजी महाराज की आरएलपी पार्टी। हमारे इस महीने के दौरान हमारे को 30 दिन का समय दिया गया है सदस्यता अभियान जोड़ने का काम करना है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के सभी जो पद अधिकारी बाड़मेर जिले के सभी युवा साथी गांव गांव से पधारे हुए मेहमान और सबको एक ही बात लेके चलना है कि हमें सदस्यता जोड़नी है 31 तारीख से पहले पहले जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता ग्रहण करनी है। हमने इस 8-7-8 दिन में जो भी सदस्यता ग्रहण करने के लिए काम किया था हर लोग हर आदमी के पास गए है किसी ने पार्टी के अपनी पार्टी के लिए किसी ने इनकार नहीं किया हंसी से खुशी से सबने अपना अपना फोन दिया सबने अपना अपना काम से हंसी से बोला कि हमारे लिए तीसरी पार्टी यही है जो किसानों की आवाज़ है और हर आदमी की सुनवाई होती है जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ जल्दी से जल्दी हमारे नेताजी पहुँच जाते हैं उनको समाधान मिलता है और हर जिले जिले में हर किसान की समस्या सुनी जाती है और इसीलिए हमें ये तीसरी पार्टी में हमें भी साथ लेके चलो। लोग सब बोल रहे हैं हमारे पास कोई आता नहीं है तो हम किसके साथ जाएं, तो हमें बाड़मेर जिले के सभी पद अधिकारी और सब युवा साथी से निवेदन करते हैं कि सब जने अपने ढाणी ढाणी गांव गांव बूथ बूथ पे जाइए सबको अपना पार्टी से सदस्य बनाओ और सभी लोगों को साथ में लेके चलो। कोई किसी से भेदभाव नहीं किसी से किसी को छोड़ना है जो भी हाँ बोलता है उसको साथ में लेके चलो। और यही अभी इलेक्शन की यही वर्ष है लास्ट दिन है इसमें 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे 23 में ही सरकार बन जाएगी वो भी अपनी पार्टी साहब जल्दी पहुँचेंगे जयपुर और हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ग्यामरा राम जी। अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा श्री जोधा राम जी चौधरी साहब। श्री जोधा राम जी चौधरी जो हमारे बीच में पधारे हैं आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। श्री जोधा राम जी चौधरी समुद्री सवाड़ा उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री किशन जी सेजू। हमारे बीच में पाटोजी की धरती से जनाब दाऊद खान जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे सामने विराजमान समस्त कार्यकर्ताओं
और नेताओं का आप संबोधित करके हम सबको लाभदायक से करवाएं। इस सदस्यता महाअभियान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में थोड़ी देर में जस्ट 10 या 15 मिनट के अंदर श्री नारायण बेनीवाल जी विधायक खेसर और श्री पुखराज जी गर्ग विधायक भोपालगढ़ हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। और मैं आप सभी युवा साथियों से बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि जिन जिन लोगों ने ये जो आई कार्ड नहीं बनाए हैं वो आप नीचे काउंटर पर जाकर आई कार्ड बना लें, और नीचे जितने भी लोग खड़े हैं जिन लोगों ने आई कार्ड बना लिए हैं आप सभी लोग यहाँ कार्यक्रम स्थल पर आए और नीचे कुर्सियाँ रखी हुई है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप नीचे जहाँ कुर्सियाँ रखी हुई वहाँ से कुर्सियाँ लाकर आप पीछे वो कुर्सियाँ लगा दें। ये कुर्सियाँ पहले से लगी हुई है, इन कुर्सियों को थोड़ा थोड़ा आप आगे सरका दें और पीछे और कुर्सियाँ लगा दें। मैं निवेदन करूंगा श्री दायम खान जी फल साहब। भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। आज सब हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, आप सभी को पता है कि 31 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक जो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर हमारे नेताजी ने बहुत बड़ा राजस्थान पूरे के 50 जिलों से ऑर्गेनाइजेशन जो रखा था उसके अंदर हमारा एक ही अभियान था, तमाम जितने राजस्थान के अंदर वोटर है उनको सदस्यता अभियान के अंदर मेंबरशिप के अंदर जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेंबर बना करके पूरे राजस्थान को यह बता देना है कि हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। जब 2018 अक्टूबर को हमारी पार्टी का जब उद्घाटन हुआ शुरू हुआ था उस समय हमारी पार्टी एकदम नई थी, उनको इतना पता नहीं था और दुनिया को भी इतना लोगों को पता जागरूक नहीं थे। अब 5 साल के अंदर हमारे तमाम नेताजी ने और नेताजी के जितने नीचे वाले पदाधिकारी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो संघर्ष किया है उस संघर्ष के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम हमारा चाहत है कि 60 से 70 सीटें पार करेगी और राजस्थान के अंदर जो भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे। दूसरा, मैं आप सभी से आज बताना चाहता हूं कि आप लोग इस जो जांगड़ भवन के अंदर पधारे हैं ये केवल हमारे जितने भी जाने माने जो भी नागरिक गण आए हैं, आप ये नहीं समझना इस प्रांगण के अंदर पूरा बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले के 7 विधानसभाओं के सब लोग हैं और एक से बढ़ के एक कार्य करना है और हमारी जो ये सदस्यता अभियान है इसको जोड़ना है और पूरे राजस्थान के अंदर 31 अगस्त तक 1 करोड़ सदस्य जोड़ करके नेताजी को स्वागत करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप जोरदार तरीके से तालियां बजाएं फल साहब के लिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में भाई नीमराम जी माइला फागलिया और नैनाराम जी चौधरी फागलिया पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप एक बार दोबारा मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप जितने भी साथी यहाँ पधारे हैं हमारे बीच में बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, पूर्व पदाधिकारी भी बैठे हैं, हो सकता है आप सभी का नाम मंच पर नहीं लिया जा पाए, आप सभी का मंच की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से और हमारे आदरणीय सुप्रीमो श्री हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। भाई नीमराज जी माइला आप सबसे पहले अपना उद्बोधन दें। नीमराज जी माइला बोलिए। वीर तेजा जी महाराज की, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता महाअभियान में आए हुए तमाम आरएलपी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का स्वागत है, अभिनंदन। खेती कैसे की जाती है ये तब पता चलता है जब हम खेत में जाते हैं और खेत में जाकर जब काम करते हैं तभी उसका हमें सुफल मिलता है। तो इसीलिए इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए हमें सभी कार्यकर्ताओं को फील्ड में जाकर सभी लोगों को पार्टी की जो विचारधारा है वो बताकर अपने साथ लावें। 37 कोम गरीब पीड़ित शोषित तबके के सभी लोगों की आवाज़ वर्तमान समय में इस प्रदेश में कोई पार्टी है तो वो आरएलपी पार्टी है, इस बात का आप सभी लोगों तक इस बात को पहुंचाएं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया इसलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा संस्कृत में, भाई बहुत आक्रामक हमारे युवा नेता है भाई नैनाराम, आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। नैनाराम भारत माता की, हनुमान बेनीवाल। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता महाअभियान में बाड़मेर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक बूथ से पधारे मेरे नौजवान युवा साथियों, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों व बाड़मेर के भविष्य। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान के अंदर सदस्यता महाअभियान जोर शोर से चल रहा है और उसी कड़ी के अंदर बाड़मेर की पूर्व पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक आज इसी भवन के अंदर होने जा रही है। आप और हम सब का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी ग्राम पंचायत और मेरा बूथ सदस्यता अभियान के अंदर सबसे टॉप नंबर पर होना चाहिए और इसी संकल्प को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर यहाँ एक संकल्प लेकर जाएं कि बाड़मेर जिले के अंदर मेरा बूथ एक नंबर पर होगा, टॉप नंबर पर होगा। और हम सबको आपसी सामंजस्य बनाकर इस सदस्यता अभियान को बाड़मेर जिले के अंदर कैसे तेज करें, इसी मिशन को लेकर आज यहाँ से जाना है। और पार्टी कोर कमेटी और यहाँ माननीय सदस्यों ने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन जयकारे लगाए मेरे साथ, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ किसान नेता बिराजे हैं आदरणीय श्री कृपाराम जी गोदारा, आप आए और अपना उद्बोधन दें। मैं निवेदन करूंगा श्री कृपाराम जी गोदारा भाई तू आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। अरे आओ कृपाराम जी गोदारा, कृपाराम जी गोदारा साहब बता रहे और अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच में सिंधरी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री ताजाराम जी बनवाल पधारे हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री ताजाराम सॉरी श्री मग्गाराम जी बनवाल, श्री मग्गाराम जी बनवाल आप आए और अपना उद्बोधन दें। मग्गाराम जी आए उनसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री ताजाराम जी सियाग पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुड़ा मलानी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री ताजाराम जी सियाग, श्री मग्गाराम जी आप तैयार है। आज इस बाड़मेर की मालाणी की पावन भूमि पर इस जांगिड़ भवन में दो जोरदार जयकारे आप लगाओगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अरे जोश से इतनी संख्या के अंदर बैठे हो आवाज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनके कानों तक जानी चाहिए कि आज बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संगठन की बड़ी मीटिंग है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।
आज इस जांगिड़ भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता महाअभियान सदस्यता से सत्ता की ओर कैसे जाना है इसको लेकर पिछले दिनों नौजवानों और किसानों की उम्मीद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से अपने बाड़मेर के किसानों और नौजवानों की मजबूत आवाज आदरणीय श्री उमेदाराम जी बेनीवाल साहब ने 5 लाख सदस्यता का टारगेट नेताजी के साथ वादा करके आए थे, तो उस बात को अपन सब जो लोग आज इस हॉल के अंदर विराजे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपन हमेशा दूसरी बातों पर भाषणबाजी नारेबाजी खूब करते हैं, लेकिन असली ताकत दिखाने का समय अब आ गया है। उमेदाराम जी बेनीवाल साहब ने जो बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर 5 लाख सदस्यता महाअभियान का बाड़मेर की धरती से हनुमान जी बेनीवाल को जो आश्वासन देकर आए हैं, उनकी बात पर आप और हम सबको खरा उतरना है। बाड़मेर जिले के तमाम गांव ढाणी के अंदर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास अपन सबको ये जो बुक है हनुमान बेनीवाल ने वहां से दी है, इनको लेकर जाना है और प्रत्येक पीड़ित शोषित जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उनको पार्टी की रीति नीति बनाते हुए पार्टी परिवार के अंदर शामिल करना है। ये विश्वास और ये संकल्प आज अपने को इस भवन से ले जाके जाना है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो सकता है अपने पास संसाधनों की कमी है, हर तरफ से अपन लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो पिछले 20-25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ बाड़मेर की धरती से जो अपन 5-7-10 वर्षों से नेताजी के साथ लगे हुए हैं, तो अब अपने अग्नि परीक्षा की घड़ी अपने सबके पास अब आ गई है। अब अपने पास 3 महीने का समय है भाइयों, ये चुनाव जाने के बाद 5 वर्ष अपने को जयकर ही लगाने और कुछ नहीं करने है। अभी 3 महीने के समय के अंदर अपना एक एक मिनट कीमती है। आप प्रत्येक नौजवान कार्यकर्ता गांव के हर घर तक, हर जो गांव के अंदर झोंपड़ी बनी हुई है उस तक आपको जाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अच्छाइयों को अंदर बताना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर किस तरह बाड़मेर के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई वो सारी बातें आप उनको बतानी है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई का मामला हो, किसानों के बेमौसम बारिश से जो बीमा क्लेम का मामला हो, या अन्य कोई प्रकार की जितने भी संघर्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर बाड़मेर के अंदर किया वो सारा कार्य उनको बताते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए जो अपना मिशन 23 आने वाला 24 का जो चुनाव है वो सफल करना है। और प्रत्येक गांव के अंदर ढाणी के अंदर बैठा व्यक्ति यही चाहता है कि अब की बार इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करते हुए, इस कांग्रेस और भाजपा के गठजोड़ को खत्म करते हुए किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की सरकार बनानी है। लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन अपने को उनके पास जाके अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा के आने वाले समय के अंदर बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान के अंदर उतरना है, यही मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। मैं मेरे बात करूँ गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र की, तो मैं समस्त कार्यकर्ताओं को यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपसी मन भेद जो भी है गिले शिकवे भुलाकर अभी अपने को 3 महीने पूरा समय पार्टी परिवार को देना है, दिन रात एक कर देनी है। हनुमान बेनीवाल के आपको संघर्ष को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गुड़ामलानी सहित पूरे बाड़मेर जिले के अंदर मजबूत करते हुए सातों की सातों विधानसभा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर कैसे जाए इस ओर अपन सबको ध्यान आकर्षित करना है। भाइयों, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद नारे के साथ साथ अपन सबको अब यही एक टारगेट लेके चलना है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अपने को एक एक मिनट महत्वपूर्ण समझते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 24 घंटों में से कम 15 घंटे अपने को पार्टी परिवार के अंदर देने हैं, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी कुछ ही समय के अंदर अपने बीच भाई नारायण जी बेनीवाल, पुखराज जी गर्ग, बाड़मेर के उम्मीदवार की उम्मीद सहित सारे नेतागण अपने बीच पधारेंगे और सारी विस्तृत जानकारी यही देंगे। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि जो नेताजी ने सपना देखा है सदस्यता से सत्ता की ओर, तो इसको अपन को खरा उतरते हुए
ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर उम्मेदाराम बेनिवाल जो 5 लाख का टारगेट नेताजी को देकर आए हैं उन सबको सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तथाराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान भाई श्री नेपाल सिंह जी कारटिया, बहुत ही ओजस्वी वक्ता है भाई नेपाल सिंह जी कारटिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष व मोर्चा छोड़ा, आप आए और संसद में अपना उद्बोधन दे। भाई नेपाल सिंह जी कारटिया, आप जोरदार जयकारा लगाए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके आप नारा लगाए, हनुमान बनवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। भाई श्री नेपाल सिंह जी कारटिया, एक बार भारत माँ की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आरएलपी पार्टी के सदस्यता महाअभियान को लेकर आज यहाँ पधारे बाड़मेर जिले के सभी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, जो नेताजी ने हम सबको काम दिया है उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक और पूरी लगन और गंभीरता पूर्वक करें, और मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो भी मुझे पार्टी परिवार और पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान बहुत ही ओजस्वी वक्ता युवा नेता भाई ओम प्रकाश जी काकड़, पूर्व प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा हमारे बीच में विराजमान है, आप आए और संसद में अपना उद्बोधन दें। भाई ओम प्रकाश जी काकड़। हेलो। हनुमान बेनिवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। आज अपने बाड़मेर में सदस्यता महाअभियान ने गति देवनारू अपने पार्टी का खेमसर विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े भाई साहब नारायण जी बेनिवाल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब कुछ ही समय में अपने बीच में आने वाला है, तो जो को सदस्यता अभियान है अपने डायरी एक एक परफॉर्म दी है, अपन जो को परफॉर्म दी है एक ईमेल, एक में तो अपन अपनी ईमेल आईडी तथा फेसबुक आईडी और बिंग फॉलोअर बिंग बाद में ट्विटर आईडी, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक में तेरह व्हाट्सएप में भले कितु आगो कर लो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो ट्विटर अकाउंट है बिंग जगी ट्विटर में जगी बात लिखो बात जो तो अपने टारगेट करनी है डायरेक्ट टारगेट हो जा करे, तो ट्विटर आईडी और बिंग बाद में इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब चैनल अगर आप चलावो हो यूट्यूब मत अगर आप हो तो यूट्यूब जो को चैनल है बिंग और बिंग जितना अपने सदस्य है यूट्यूब मत है बंगो हेंगोरी बिंग बाद में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 ने लेकर थारी की हो चाहे आप के चाहो की कर आप करो तो अपने पार्टी आगे बढ़े अपनी जगह पार्टी मजबूत हो जो अपना रीजन और विजन है। हनुमान बेनिवाल जी जो एक सपनो देखियो एक मिशन 2023 पूरा कर और राजस्थान की सत्ता माते किसान का बेटा कोई भी हो किसान के बेटा सत्ता पे कैसे काबिज हो उसमें अपने को आगे क्या करना चाहिए और की प्रकार वहां पे अपनी काम करो तो आप पार्टी मजबूत हो। और एक बात बड़े क्या सदस्यता अभियान वहां पर चलाओ तो जितते वहां पे धकले जो सदस्य बनना भी टच करो बहु ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर नहीं है कि भाई फेसबुक में तो पोस्ट कर दी नहीं क्या थारा नंबर मैंने भेज बैंड लई हंके में नंबर भेज दिया या व्हाट्सएप माते ग्रुप में आप लिख दिनो क्या थारा बे रजिस्ट्रेशन नंबर भेजो और मैं थोने जोड़ो बिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप द्वितीय तक सदस्य के घरे जाओ और ज्यादा ज्यादा अपनो वही प्रयास रहना चाहिए अपन एक एक घर जानो एक एक घर जा और जितने घर का सदस्य है
बन हेंगो नहीं अगर आप अपनी छोड़ बैठ पर और एक जगह अपने डायरी दिनी मोटूड़ी इंग मो सदस्य बनाने को परफॉर्म है वो भर अगर आप भी पकड़ाओ तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करी। सोशल मीडिया में तो आप घड़े पर श्यार हो गया, खूब धूम मचाई। अब सोशल मीडिया पे धूम मचाना कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अपन कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। सोशल मीडिया उतर और धरातल मत जानो पड़ी। ठीक है, मैं आज मान लो कि 700 सदस्य जोड़ लिया, लेकिन जोड़िया सोशल मीडिया में बन और कोई गोंद बे है कौन कित गए बे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे अपने बूथ का कितना सदस्य वहां पे बिनाया है बे बहुत ज्यादा फर्क पड़ी। आप अपने बूथ पे ज्यादा टारगेट करो, लगभग लगभग हर बूथ हुए तो आदमी आउड़ा है, अगर नहीं आउड़ा है तो बो वहां पे मिलो जो बूथ आज लार रहो है भी बूथ तक जा और बीत के आदमी वहां पे बात जिम्मेदारी दो और वो बीत हुआ आदमी आपके बूथ के जितना ज्यादा ज्यादा आदमियों ने जोड़ेला वो अपने ज्यादा फर्क पड़ी। और मैं सुखो के वहां पे आज हमें थैंक बड़ा हो गया। चलो मैं पहले जयपुर में मीटिंग हुई भी ठोड़ू सदस्यता अभियान को आगाज कियो, आज अपने बाड़मेर में मिशन मोड मार लेनो है। जैसे कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने कहा था 5 लाख मेंबर बाड़मेर जिले से हम जोड़ेंगे। अपना प्रयास रहना चाहिए कि पर बूथ पर एक बूथ सामान्य तो लगभग 500-400 वोटरों को एक बूथ होया करे, पर बूथ में तो अपन ने कम से कम 250 से 300 मेंबर जोड़ने हैं और 250-300 मेंबर आप पर बूथ में जोड़ लिया तो अभी इन दिनों पे 101% है कि बाड़मेर जिले की जगह अपने हाथों सीटों पर ले प्रा नालो अब जीतने को प्रयास करो और हाथों सीटों को जगह बात करो तो बे तो पूरी कर सको। और बिंग अलावा अपने बाड़मेर जिले की बात करो तो बाड़मेर जिले के अंदर खूब है, कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, लेकिन भी कार्यकर्ताओं की फौज ने गाइडेंस करनी आवश्यकता है। गाइडेंस करना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया को जमानो है और झकी आज सोशल मीडिया पर बात लिखो भी बाद माते हर आदमी की नजर है कि आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब आप कोई जड़ा तड़ा वीडियो आ रहा बिना आप धगर शेयर कर दियो वायरल कर दियो एड़ा वीडियो वायरल करना अपन बचना पड़ेगा। एक आल उपज एक बुढ़े बाबे को वीडियो पे वायरल करो, हालांकि वो बाबे आपको जो मन में ही जगह भावना व्यक्त की है बाबे की भावना हुई लेकिन बाबे ठान नहीं हो मेरी वीडियो पिने भी वीडियो ना पे शेयर कर दियो और बे हागी जगह आदमी ठंडा है प्रेशराइज की राजनीति कितनी होया करे कितो दबाव आदमी मत दिया करे तो बे आदमी मत दबाव दे बाबे ने दबाव को प्रयास करी अपन आड़ी चीजों शेयर करने में और वायरल करने में हमें बचना पड़ेगा। और जगह कमेंट पे फेसबुक माते व्हाट्सएप माते ग्रुप में करो भी बहसबाजी कहीं हासिल नहीं होना है। अपन ने अपना जो उद्देश्य है अपनी जो पार्टी की जो बातों है नेताजी हनुमान बेनीवाल जी का की रीजन और की विजन है नेताजी के कहना चाहे बे चीजों पे अगर सोशल मीडिया में राखो तो हर आदमी बिंग माते इफेक्ट पड़ी रहा आदमी हो चीज वास्तव में आरएलपी का कार्यकर्ता आ बात लिखी है तो जड़ी तड़ी बातों अपन ने शेयर करना बचना पड़ेगा। कोई वीडियो कड़ी आयो भी वीडियो ने पहला तहकीकात करो को वीडियो हूं मेरे फेसबुक व्हाट्सएप माते शेयर करूं करे चढ़ो है कि नहीं है बिंग बाद में ही करो। अब सुनामी माहौल आना हुआ 4 महीना धंधा है धमाधम गई इनमें कई तरह का वीडियो आई कई तरह की अफवाह आई कई तरह की बातों फैली वो हेंगो बातों अपन ने एक एक बात को सोन कर पर इन भी बात भी मुझे की हकरी बात अब अपन लेनी है और रिजेक्टेड माल है जो अपने कौम की नहीं है भी चीज माते कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आ पक्की एक बाड़मेर के अंदर बहुत मजबूत पार्टी है, अपना जिला भी हम दो कर दिया एक बालोतरो कर दियो और एक बाड़मेर कर दियो तो मैं तो हमें बालोतरे में हो और लाल ला इला थे हो बाड़मेर में तो अपने दो ही जिलों के मो कंपटीशन होना चाहिए। बालोतरे मेंबर ज्यादा बिने या उन्हें बाड़मेर जिले के मो मेंबर ज्यादा बिने वो कंपटीशन और मेंबर बिना घर घर जा बरान सोशल मीडिया में ला मेंबर बंद कर दो हमें यूं कोई टिकट नहीं मिलेला और पे सोशल मीडिया में आगो कर लियो कह दो थाने पद दे दो कोई पद नहीं मिलेला जितने तक आप अपने बूथ का ज्यादा कार्यकर्ता नहीं जोड़ेला जितने तक ये सदस्यता अभियान अपना जो अपन चला रहे हैं कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मेंबर जोड़ो बूथ के मेंबर आप अपना बूथ अगर आपने मजबूत कर लिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी स्वतः मजबूत हो जाएगी। आप सब आज बड़ी संख्या के अंदर पधारे हो अपना हॉल छोटा पड़ रहा है जो अपने जगह तय की थी ये मामूली सी जगह रह गई इससे 2-3 गुना तो बाहर लोग खड़े हैं। आप सब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर पधारे और इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सदस्यता अभियान है इसको आप मिशन मोड पर लेते हुए ज्यादा से ज्यादा ढाणी ढाणी गांव गांव और एक एक वोटर से संपर्क करके उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जोड़े और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5 लाख का अपना सदस्यता का जो लक्ष्य है उसको पार करते हुए इसे कहीं आगे तक अपने को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओम जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मग्गा राम जी बेनीवाल सिंधरी, आप आए और सबसे बड़ा उद्बोधन दें। काफ़ी लोगों के उद्बोधन अभी होने हैं, तो मैं वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप सबसे बड़ा उद्बोधन दें श्री मग्गा राम जी बेनीवाल। श्री मग्गा राम जी बेनीवाल, भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता महाअभियान के अंदर आप बाड़मेर जिले के कोने कोने और ढाणी ढाणी से पधारे, समस्त हमारे शीर्ष नेतृत्व, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस सदस्य अभियान के अंदर जैसे रालोपा सुप्रीमो माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने आप और हम सब को, राजस्थान की जनता को और राजस्थान के युवाओं को एक महीने का महाअभियान टास्क दिया है और प्रदेश के तमाम जनता और एक एक युवा लगे हुए हैं और एक एक युवाओं के अंदर इतना जोश भरा है और इतना जोश लग रहा है, मतलब एक सदस्य अभियान के अंदर युवाओं के अंदर ऐसी खुशी है जैसे कोई होली दीपावली या ईद का त्योहार आ गया हो, वैसे खुशी से एक दूसरे को मिस कॉल कर रहे हैं। 77328 पर और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, परंतु अभी तक काफी युवाओं से डोर टू डोर मैंने भी मेरे स्तर पर संपर्क किया है, कुछ हमारे साथी हैं उनको अभी तक ये रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ये लिंक कौन सी साइड पर जाना है, उनके बारे में काफी युवाओं को अभी तक पता नहीं है। तो मैं समस्त मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि अपने ही गांव के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने ही रालोपा के साथियों से एक दूसरे से सलाह लेकर, एक दूसरे से संपर्क करके, एक दूसरे के सहयोग से अपने को आगे बढ़ना है। और लगता है इस एक महीने का टास्क माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने करीबन 25 लाख से अबव बनाने का दिया है, परंतु जिस हिसाब से अपन मेहनत कर रहे हैं और रालोपा परिवार जैसे बढ़ रहा है आगे से आगे, लगता है ये 50 लाख से अबव होगा, परंतु ये 50 लाख या उससे भी अधिक होगा कैसे, इसके बारे में आप और हम सबको एक एक को जवाबदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है विधानसभा वाई दो चार लोग बढ़ा रहे हैं, बाकी नहीं बढ़ा रहे, एक लोग 1000 बढ़ा रहे हैं, या एक महीने में अगर 5000 भी सदस्य जोड़ दिया और सभी ने मेहनत नहीं की तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना अपन जान रहे हैं। इसका रिजल्ट लेने के लिए
आप और हम सबको लगना पड़ेगा। और जिस जैसे ही अपन सदस्य बढ़ाते हैं, मान लो किसी के मोबाइल में 50 सदस्य बन गए, किसी के 100 सदस्य बन गए, किसी में 25 ही बने, उन 25 सदस्यों में से भी आप कोशिश करो कि 15 सदस्य अपना काम करें और आगे से आगे बढ़ाए। यह सदस्य अभियान है, यह सदस्य अभियान है, यह 1, 2, 5, 10 लोगों का नहीं है, यह हजारों लोगों का है। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, इस हॉल के अंदर मान लो अपन 1000 सदस्य बैठे हैं और 1000 सदस्य ने भी अगर एक एक सदस्य बढ़ा जा देते हैं तो सीधा 2000 हो जाता है, और 2000 सदस्य अगर एक एक बढ़ा देते हैं तो 4000 सदस्य हो जाते हैं, अगर 4000 सदस्य एक एक बढ़ा देते हैं तो 8000 हो जाते हैं। ऐसे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अगर आपने सभी ने ठान लिया तो रालोपा के मैं कहता हूं, आज 8 तारीख हुई है और 15 दिनों के अंदर 50 लाख हो जाएंगे। ये एक नेटवर्क और आपके हर हाथ की ताकत है। क्या ये फार्मूला सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं तो जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व थोड़ा और सताराम जी, दुर्जाराम जी भी सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बैठे हैं और सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आज सैकड़ों कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर मैं आपके साथ में हमेशा रात और दिन 24 घंटा आपके सहयोग करके मैं सिवाड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि बाड़मेर और बालोतरा जिले के अंदर हमारा सिवाड़ा नंबर 1 रखेंगे हम। मैं सिवाड़ा के जितने भी मेरे साथी है थोड़ा हाथ ऊंचा करके सहयोग करेंगे नहीं करेंगे आप, यह सिवाड़ा का देख लो आप, सिवाड़ा के मेरे साथी जितने भी खड़े हैं हाथ ऊंचा करके आपकी ताकत बताएंगे, क्या सिवाड़ा को नंबर 1 रखेंगे या नहीं रखेंगे? आप सबके साथ में मैं इस पूरे अगस्त के अंदर जैसे आप कहोगे वैसे आपके साथ का सहयोग दूंगा, परंतु अपने को सिवाड़ा को आपके सहयोग से नंबर 1 रखेंगे। और आज भी हमारे बीच में सिवाड़ा से सामने विराजमान है रूपा राम जी पोटड़िया, जो लगभग हमारे सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अकेले आदमी ने 600 से अधिक सदस्य बढ़ा दिए, 600 से अधिक रूपा राम जी पोटड़िया ने। और मैं तो ये कहता हूं मंच के माध्यम से, माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने जयपुर में भी बोला था कि सबसे अधिक जो सदस्य बनाएंगे उनसे हनुमान जी खुद लास्ट में मिलेंगे और आपको मिलने का मौका मिलेगा। मंच के माध्यम से थोड़ा टाइम कम है, मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, खुशहाल होगा किसान जवान। हमारे बीच में सिवाड़ा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह जी राजपूत बता रहे हैं, आप आए और सबसे पहले उद्बोधन दें श्री तेजपाल सिंह जी राजपूत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सिवाड़ा श्री तेजपाल सिंह जी राजपूत। मेरे पास जो लिस्ट आई है बहुत बड़ी लिस्ट है, हम प्रयास कर रहे हैं आप सभी साथियों के, सभी युवाओं के और सभी नेताओं के उद्बोधन यहाँ से हो। तेजपाल सिंह जी हमारे बीच में आए, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री जोधाराम जी चौधरी साहब, श्री जोधाराम जी आप आए और सबसे पहले अपना उद्बोधन दें श्री जोधाराम जी चौधरी साहब। सभी बाड़मेर जिले से पधारे हुए हमें पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, समस्त रालोपा परिवार वालों को सबको राम राम। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आज कि अपने राष्ट्रीय पार्टी एक सिवाना क्षेत्र से जो भी अपन
कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो भी बूथ के हिसाब से हम जाएंगे, सदस्य जोड़ेंगे, वो सदस्य सब घर घर ढाणी ढाणी सब एक एक बूथ को जाकर वोट सभी को अपन ज़्यादा एक एक परिवार के घर से जितने सदस्य हैं उनको सदस्य बनाएंगे, सभी के साथ मिलकर ही बनाएंगे और सभी अपन हनुमान जी को जयपुर की सत्ता दिलाने के लिए सभी की भागीदारी सब एक होके करेंगे। जब अपनी भागीदारी राजस्थान में आगे डंका बजेगा और इसी इसी कड़ी में हम आपको सभी को एक बार पुनः दोहराते हैं कि आप सभी हमारे भाइयों युवाओं बुजुर्गों सबों हाथ जोड़ने विनती है, आपरे ज़्यादा हूँ ज़्यादा आपरे सदस्य बनावना, बाड़मेर जिला में लाखों की तादाद में सदस्य बने ना आपे जयपुर भेजाला, जब हनुमान जी ने ठा पड़ला बाड़मेरी जनता भी कोई है पूरी राजस्थान में बाड़मेर नाम होना सीजे, सभी अपने एकजुट होके एक परिवार जैसे रहेंगे, रालोबा परिवार में सब मिलजुल के तो अपना आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में राज करेंगे। भारत माता की जय। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संक्षिप्त उद्बोधन के लिए निवेदन तेजबाल सिंह जी राजपुरोहित आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री तेजबाल सिंह जी राजपुरोहित और आप सबसे एक बार राम राम करने के लिए आएंगे बरमल जी पावन सुंदरी। श्री बरमल जी पावन सुंदरी बरमल जी पावर आपसे राम राम करेंगे संक्षिप्त में केवल 10 सेकंड। बरमल जी की बहुत बड़ी इच्छा है एक जल्दी आओ, बरमल जल्दी आओ, आप सबसे बरमल जी राम राम करेंगे मैं 10 सेकंड के अंदर। अरे सबन बिराजुड़ा राम राम सा भारत पावर डंडाली गौरी तरफ आपने राम राम जय रघुनाथ जी की जय माता जी की प्रणाम आदेश हरिओम नमो नारायण सलाम अलैकुम सबन खमागणी। बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, अनपढ़ हूँ, 200 सदस्य मैंने जोड़ लिया है और मैं कहता हूँ ये आप जयपुर की धरती पे जाके पार्टी का जन्म दिया, बाड़मेर से रवाना हुई थी एक सिंगारी और आज बहुत बड़ा रूप लिया है। बिल्कुल आप टाइम मेरे पास कम है, बोलना बहुत ज्यादा था पर लेकिन आज फिर भी छोटा सा मौका दिया, बहुत 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 धन्यवाद। बर्मा जी का जो उद्बोधन का लाभ है अपन अगली मीटिंग के अंदर लेंगे, मजबूती के साथ लेंगे। हमारे बीच में अभी गेट में प्रवेश करने वाले हैं हम सबके लाडले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदिनाथ श्री पुखराज जी गर्ग और भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री पुखराज जी गर्ग साहब और साथ ही हम सबके लोकप्रिय नेता आदिनाथ श्री नारायण बनिवाल जी हमारे बीच में जस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सभी युवा साथियों से सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी साहब हमारे बीच में प्रवेश करें आप सभी लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। आप जोरदार तालियों के साथ एक बार आए हुए सभी युवा साथियों का स्वागत करें और जोरदार नारा लगाएं हनुमान बनिवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बनिवाल जिंदाबाद हनुमान बनिवाल जिंदाबाद रालोपा जिंदाबाद रालोपा जिंदाबाद हनुमान बनिवाल जिंदाबाद। बहुत ही अच्छा समय हमारे लिए है कि हमारे बीच में श्री पुखराज जी गर्ग और श्री नारायण बनिवाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग खड़े होकर श्री पुखराज जी गर्ग साहब और नारायण जी बनिवाल साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हनुमान बनिवाल जिंदाबाद नारायण जी बनिवाल जिंदाबाद पुखराज जी गर्ग जिंदाबाद पुखराज जी गर्ग जिंदाबाद नारायण बनिवाल जी जिंदाबाद उमदाराम जी जिंदाबाद पुखराज जी गर्ग जिंदाबाद नारायण बनिवाल जी जिंदाबाद राजू जी खोजा जिंदाबाद राजू जी खोजा जिंदाबाद हनुमान बनिवाल जिंदाबाद रालोपा जिंदाबाद। आप सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना जगह पर बिराज जाएं।
मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री पुकरा जी गर्ग साहब, माननीय विधायक भोपालगढ़, आप मंच पर आकर अपना विस्तार ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हम सबके लाडले और त्रिशूर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण बनवाल जी से कि आप आए और मंच पर अपना विस्तार ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पधारे जोधपुर संभाग के सदस्यता अभियान के प्रभारी आदरणीय राजू राम जी खोजा साहब, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा श्री सत्ताराम जी देवासी जोधपुर संभाग के सदस्यता महाअभियान के सह प्रभारी, आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हम सबके लाडले आदरणीय उम्मीदवार बनवाल साहब, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बराबर है, यहाँ पर जितने भी साथी खड़े हैं यहाँ पर केवल मीडिया के लोग ही खड़े रहे, यहाँ पर जितने भी साथी खड़े हैं इसमें से केवल मीडिया के लोग ही खड़े रहे। आप सभी लोग पिछले जहां पर व्यवस्था की गई है आप सभी लोग बुला जाए। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री गजेंद्र चौधरी जी से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री गजेंद्र जी चौधरी साहब, आप सभी युवा साथियों से निवेदन है आप सभी लोग बुला जाए एक बार। एक बार सब लोग व्यवस्थित हो जाएं, ये जो कार्यक्रम है आपका अपना कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, इसलिए सारे ही लोग एक बार बैठ जाएं और जगह कम है तो बाकी के लास्ट में खड़े रहे, लेकिन यह बीच में मीडिया बंदों के अलावा कोई भी खड़े नहीं रहे। आज बाड़मेर की इस धन्य धरा पर विश्वकर्मा जी भगवान की धरती पर जहांगीर भवन के अंदर आयोजित रालोपा के सदस्यता महाअभियान के बाड़मेर के शुभारंभ को लेकर के जो संगठनात्मक बैठक रखी है, हमारे बीच में सदस्यता अभियान के प्रदेश के संयोजक और भोपालगढ़ के माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब सह संयोजक और खेउसर के माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब, जोधपुर संभाग के हमारे सदस्यता अभियान के संयोजक बड़े भाई और बावड़ी के प्रधान युवा नेता भाई राजू राम जी खोजा साहब, सह संयोजक वरिष्ठ किसान नेता शिवाना से हमारे आदरणीय सताराम जी देवासी साहब, और बाड़मेर जिले के लोकप्रिय किसान नेता और जिले के सदस्यता अभियान के संयोजक आप सबके लाडले नेता आदरणीय श्रीमान उम्मेदा राम जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच उपस्थित आप सभी मजबूत कार्यकर्ताओं नेतागणों, आप सबको विदित है कि 31 अगस्त को जयपुर की धरती से रालोपा के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने सदस्यता महाअभियान का आगाज किया था, और उस दिन वहां पर आदरणीय उम्मेदा राम जी बेनीवाल आप और हम सब के भरोसे पर यह वादा करके आए थे कि 5 लाख सदस्य हमारे को बाड़मेर से बनाने हैं। उस वादे को जैन के अंदर रखना है, पिछले 8 दिनों के अंदर जो काम हुआ है वो अभी 1% भी नहीं हुआ है, अभी तक हम शुरुआत ही मैच कर पाए हैं। 5 लाख का जो आंकड़ा है उसको छूने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं ज्यादातर हमारे भाई केवल व्हाट्सएप ग्रुप हम भेजते हैं कि आप मिस कॉल करो और मेरे को वापस मैसेज कर दो, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फेसबुक व्हाट्सएप से सदस्य बनने वाले लोग अपने आप बन जाएंगे, हमारा काम यह है कि बूथवार टोलियां बना करके गांव गांव टीमें बना करके और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति झोपड़ी के अंदर बैठे गरीब किसान माताओं बहनों तक हमारे को पहुंचना होगा और एक एक व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ना होगा, तब जो आपका उम्मेदवार राम जी का जो वादा है 5 लाख का वो पूरा होगा। एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो अतिथि पधारे उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और बड़ी गंभीरता से पूरी बात को सुने। नारायण जी बेनीवाल, आदरणीय पुखराज जी और सभी नेता मंच पर हैं जो आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे, पूरे ध्यान से इस कार्यक्रम को आपको सुनना है और यहां से जाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को गांव गांव और ढाणी ढाणी के अंदर जाके और इस सदस्य अभियान को परवान पर चढ़ाना है और बाड़मेर को रिकॉर्ड कायम करना है, पूरे राजस्थान के अंदर हमारा बाड़मेर जिला 1 नंबर पर रहे, ये प्रयास आप और हम सबका धरातल पर होना चाहिए। मोबाइल से दूर जाकर के धरातल तक जाएंगे तभी ये सब हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गजेंद्र चौधरी जी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री हरदाराम जी चौधरी साहब गुड़ा मलानी, आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें।
मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को शुरू विधिवत रूप से शुरुआत करने के लिए सरस्वती माता के चित्र के ऊपर आप पूजा रचना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करावे। आदरणीय श्री पोखरा जी गर्ग साहब, आदरणीय नारायण बनवाल जी, राजू राम जी खोजा साहब और आदरणीय उमेदा राम जी सताराम जी से आपसे निवेदन रहेगा कि आप सरस्वती माँ के चित्र के आगे पुष्प अर्जित और कर आप कार्यक्रम की विधि में शुरुआत करावें। अब जितने भी युवा साथी खड़े हैं आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मंच पर भी अपन ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, मंच पर भी अपन ने जिन लोगों को यहाँ बिठाया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों के लिए अलग अलग समय के अंदर हमें मंच मिलते हैं, वहाँ पर लोग बैठ भी जाते हैं आराम से, लेकिन आज जो मंच की मर्यादा है केवल जिन लोगों के नाम लिए हैं, जिन अतिथियों के नाम लिए हैं वो ही मंच पर रहे, उनके अलावा कोई भी सदस्य मंच पर यहाँ पर नहीं बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथिगण। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री दायम खान जी भाई साहब, आप ही मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सरस्वती पूजन का कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं निवेदन करूंगा उद्बोधन की अगली कड़ी में संस्कृत उद्बोधन के लिए भाई थान सिंह जी राजपुरोहित आप आए और अपना संस्कृत में उद्बोधन दें। भाई थान सिंह जी राजपुरोहित जो भी वक्तागण है उनसे निवेदन रहेगा कि केवल सदस्यता अभियान के बारे में ही बोले, केवल सदस्यता अभियान के बारे में। भाई थान सिंह जी भारत माता की, भाई जोश होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। आज बाड़मेर जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता अभियान की संगठन की बैठक में पधारे भोपालगढ़ से लोकलाडले विधायक और सदस्यता अभियान के प्रदेश आयोजक आदरणीय पुखरा जी गर्ग साहब, सहसंयोजक व खेसर के विधायक बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब, जोधपुर संभाग के संयोजक और बावड़ी से प्रधान प्रतिनिधि भाई राजू राम जी खोजा साहब, हमारे बाड़मेर जिले के संयोजक, वर्तमान जिला परिषद सदस्य और हम सब के हमेशा बड़े भाई के रूप में मार्गदर्शन करने वाले श्री उमेदा राम जी बेनीवाल साहब और पार्टी के रीढ़ की हड्डी, एक तरह से बुजुर्गों का जो आशीर्वाद माना जाता है वो आशीर्वाद के रूप में हम सबके बीच में विराजमान श्री सताराम जी देवासी साहब, हरदाराम जी कलबी साहब और समस्त दूर दूर गांव ढाणे से पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर जाबाज युवाओं का स्वागत अभिनंदन सत्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता अभियान जिस दिन से शुभारंभ हुआ है उस दिन के बाद हर युवा हर नौजवान बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने और अपनी सहभागीदारी कैसे पार्टी के लिए कैसे अपना योगदान दे सके इस हेतु कार्य कर रहा है। ये अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने का जो विकल्प है
वह यही है। मैं युवा साथियों से और प्रत्येक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे उमेश जी भाई साहब ने जो जयपुर में लक्ष्य दिया था 5 लाख नौजवानों को जोड़ने का, पार्टी के अंदर सदस्यों को शामिल करने का, उसमें हमें इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और हर कार्यकर्ता को गांव डाणी जाकर हर एक आदमी को, हर एक नौजवान को, हर एक किसान के बेटे को समझाना है कि आने वाले समय में हमें जो 1 महीना पूरा हो उस समय जब जयपुर में रिपोर्ट तलब हो तब होना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाड़मेर की टीम ने वाकई में मेहनत की है। एक जो युवा साथी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है, लेकिन हमारे पास जो बुक है उस बुक लेट को और अरमान जी की विचारधारा को वो पन्ना हर एक गांव डाणी में पहुंचाना है, इसके लिए भी आप और हमको मिलकर कार्य करना है। मैं निवेदन करूंगा नारायण जी भाई साहब से कि बालोतरा जिले की कल जो स्थापना हुई है निशिती, अब 3 विधानसभा निर्वाचन के हिसाब से भी अपने बालोतरा में अलग हो गए, निर्वाचन विभाग ने भी सुवाना, पसपदरा और बायतू को डिवाइड कर दिया है, तो हम आशा करते हैं कि बालोतरा जिले का भी अलग से एक संगठन बनाकर हमें सदस्यता अभियान को मजबूती से चलाना चाहिए ताकि दूर जो आपस में समन्वय है वो समन्वय स्थापित हो सके। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और 2-3 जयकारे आपको लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तान सिंह जी। कार्यक्रम को कि अगले पायदान पर हमारे बीच में पधारे अतिथियों का स्वागत सत्कार के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री पुखराज जी गर्ग साहब, माननीय विधायक गोपालगढ़, आपका सभा बनाकर स्वागत करेंगे श्री हरदाराम जी चौधरी साहब। श्री हरदाराम जी चौधरी साहब से निवेदन रहेगा कि आप आए और माननीय विधायक महोदय श्री पुखराज जी गर्ग का सभा बनाकर स्वागत करें। आप जोरदार तालियां बजाकर एक बार पुखराज जी का स्वागत सत्कार करें। और माला के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री भंवरलाल जी गर्ग। श्री भंवरलाल जी गर्ग आप आए और आदरणीय पुखराज जी को माला पहनाकर स्वागत सत्कार करें। भाई भंवरलाल जी गर्ग, मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं आप प्लीज जल्दी से जल्दी मंच पर आए और मेरे सामने बहुत सारी संख्या के अंदर हमारे बाड़मेर जिले से मजबूत नेता हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, मंच पर जिन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है उन लोगों को हमें सुनना है, अति महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है, इसलिए आप सभी लोगों को हो सकता है जगह नहीं मिली, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे, हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं, हम सभी लोग मंच पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब। हमारे बीच में केसर के लोकलाडले विधायक श्री नारायण बेनीवाल जी हमारे बीच में मौजूद है, आपका स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री दाऊद खान जी फौज साहब। श्री दाऊद खान जी फौज साहब आए और आदरणीय श्री नारायण बेनीवाल जी को सभा बनाकर स्वागत करें और माला पहनाकर आपका स्वागत करेंगे श्री कन्हाराम जी मेघा। श्री कन्हाराम जी मेघा युवा नेता आए और आदरणीय नारायण बेनीवाल जी को माला पहनाकर स्वागत और सत्कार करें। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान जोधपुर की धरती से बहुत ही युवा नेता और बहुत ही ओजस्वी युवा नेता और बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि श्री राजूराम जी खोजा साहब, जो सदस्यता महाअभियान के जोधपुर संभाग के प्रभारी भी है, आपका सभा बनाकर स्वागत करेंगे श्री जबर सिंह जी जाजवा। श्री जबर सिंह जी जाजवा आप आए और आदरणीय राजूराम जी खोजा साहब का सभा बनाकर स्वागत करें और आदरणीय राजूराम जी खोजा साहब का माला पहनाकर स्वागत करेंगे पूरे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कवराराम जी पलिवार। श्री जबर सिंह जी आप आए और आदरणीय राजूराम जी को सभा बनाकर स्वागत करें और माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्री कवराराम जी पलिवार। आप सभी
युवा साथियों से निवेदन होगा कि आप जोरदार तालियों से हमारे देश में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे देश में विराजमान वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री सताराम जी देवासी साहब, आदरणीय सताराम जी देवासी साहब जोधपुर सभा के सदस्यता अभियान के सह प्रभारी है, आपका स्वागत करेंगे। श्री गजेंद्र चौधरी जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्री गजेंद्र चौधरी जी आप आए और सभा पहनाकर श्री सत्यराम जी देवासी साहब का स्वागत सत्कार करें और माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्री ताजाराम जी सियाग। श्री ताजाराम जी सियाग आप आए और माला पहनाकर आदरणीय श्री सत्यराम जी का स्वागत सत्कार करें। हमारे देश में उपस्थित हम सबके लोग लाल और भाईतों की उम्मीदों की उम्मीद आदरणीय श्री अमेदाराम जी बनवाल साहब, आदरणीय अमेदाराम जी बाड़मेर जिले के जिला प्रभारी है सदस्यता अभियान इस महाअभियान के, आपका सफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री गैमरा राम जी मेघवाल युवा नेता चौहटन, श्री गैमरा राम जी मेघवाल युवा नेता चौहटन आप आए और आदरणीय अमेदाराम जी बनवाल साहब को सफा पहनाकर स्वागत करें। और माला के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री चेतन राम जी भाकर, श्री चेतन राम जी भाकर आप आए और आदरणीय श्री अमेदा राम जी को माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की रस्म यही पूरी हुई। मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा किसान नेता और हम सबके लाडले आदरणीय सताराम जी देवासी साहब आप आए और उद्बोधन देकर हमारे सामने विराजमान हजारों हजार की संख्या के अंदर किसान भाई और युवा साथियों को आप उद्बोधन कर लाभान्वित करावे। आदरणीय श्री सताराम जी देवासी साहब भोलेनाथ महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की, जयतराम जी महाराज की, राजूराम जी महाराज की, जमेश्वर भगवान की, वर्मा जी महाराज की, राम साह पीर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। मुँह तो अपना हादो आदमी जो अपने मारवाड़ी भाषा में बोल हूँ लोग मंच माते विराजीड़ा भोपालगढ़ विधायक पुगरा जी गर्ग साहब, खीमसर विधायक भाई नानजी बेनीवाल साहब, राजू राम जी खोजा साहब वावड़ी, उम्मीदवार राम जी सम्मानित मंच, दूर दराजों पधारी पिता तुल्य बुजुर्गों युवा साथियों सबने मारा राम राम। मारो तो आपने एक ही कहना है सा को सदस्य माँ अभियान है अन्नो मतलब है कि मोटो काम है छोटो काम नहीं है, घणाओ घणा सदस्य बनावना और सदस्य बनावारे में कमी पेशी कोई एक ही नहीं राखनी और ज्यादा तो मैं आपने कोई कहूँ आप खुद ही हैंग समझदार हो, मतलब कोई टोंग खसाई करजो मती। ओपरी नवी पार्टी है पांच वरिज बनायाना है, कांग्रेस वाला नाराज आवे उनने कहना भाई आवो वेलकम, बीजेपी वाला कोई नाराज भी ना आए उन्होंने कहना वेलकम, वो अपने सदस्य बनावना वो अपने बाढ़ में रज बनावना है, एडो नहीं है कोई बाढ़ लो आवे नहीं सदस्य को बने नहीं। अगर 2023 में हनुमान जी बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनावना है तो आप राजिया जत्रा हैंग हनुमान जी बेनीवाल बने जाओ जो जाए मुख्यमंत्री बनी। ए सेल्फियों लेवाओ कोई नहीं वे, फोटो खोसवाती कोई नहीं वे, कालजार में रखो यह सबद थी कोई बुरो मती मौन जो मारे थोड़ी खासी केवारी आदत है जगो। बाकी मैं 57 जने उम्मीदवार सुनाव लड़िया था उनमें मुँह ही भेड़ो तो पुगरा जी भेड़ा था, 57 उम्मीदवार सुनाव लड़िया था, 3 जीता बाकी रहा हारिया, कोई बात नहीं हारिया तो हारिया। आज ही फील्ड में जुबा हूँ, 3 बार हुआ मारा थोड़ी तबीयत नरम है जो मैं माफी साबूंगा थोड़े बस में मैं नहीं आ सकी मतलब
आभार भी है तो हमारी तबीयत थोड़ी नरम रहे, ठीक है आदेश विवेद बेसबद मुँह आपने कहूँ, मतलब मारे कोई सुना लड़वारी इच्छा नहीं, मनसरे माध्यम भाई साहब ने कहना साहू सीवाणो आप जन्ने भी उचित लागे उनने टिकट दो, मैं उनने हाथे तय दे लूं, मैं कोई पदरो भूको नहीं हूं, मारे कोई पद नहीं सही, मैं पार्टी रे सिपाही तरीके काम करूं, क्यों मारो शरीर हेते कोने तरी दूर दो मऊ वे को नहीं, वे पद लेन घरे बैठा रहो मतलब कोई निकले, आपने उचित लागे उनने पद देजो, आपने उचित लागे उनने टिकट देजो, मैं मार तय दे लूं, मैं उनने हाथे हूं मतलब। और मैं कह एक चीज कहना चाहूँ हूँ कि अगर डंगरी टिकट दी थी तो बाढ़ मेरू हकरा हकरी सीटों आपरी निकली, मतलब जाति रहा समीकरण बेवाड़ जो जाति रहा समीकरण प्रमाण टिकट दे जो, आ एकली जाटवारी पार्टी नहीं है सतीश कोवरी पार्टी है, वे मैं सुना लड़ी मैं रबारी हूँ, पुगरा जी गर्ग बैठा है, इंदिरा जी बावरी है, राजपूतों ने टिकट दी थी, एक ही बाकी नहीं था मतलब, कोई बाउंड्री फैला भी क्योंकि हितर हितर साल हूँ देश में राज कर दिया बीजेपी ने कांग्रेस वे एन मौका माते कोई फदड़का सोड़ी वनवारी वातम थी आवजो मती मने घनाई घनी लोभ दीदा है लालच दीदा लाल बत्ती दो, मैं एक तो मारे माते लागूड़ी बीजी कटे लगाऊ भाई, अगर बेनीवाल साहब मारे माते विश्वास की दो तो विश्वास माते खरो उतरू ना आज भी खरो हूँ भविष्य में खरो रहूंगा। बाकी एक आपने भी रिक्वेस्ट करनी साहब हूँ नान जी भाई साहब, ये जो को आप डायरी बनाई है नहीं डायरियन में व्हाट्सअप माते करनी है न करनी नहीं है तो एक डायरी ही दे दो आप, जो को डायरी में आपने हेंगो ने सदी से बना दी मतलब, क्या कोई लेडीज बड़े हाथ मोबाइल है तो उनमें वो आवनो को नहीं अन करता हूँ, डायरी दे दो आप जो घर घर जैन बना दी आपने मारे कवर मतलब। हाँ एक रिक्वेस्ट करूँ आपने क्यों है कि कोई अमन है उन्होंने उठाई नहीं पड़े हुक्म और डायरी बना दी, डायरी आपने लावन पास ही दी मतलब, और ज्यादा से ज्यादा मैंने विश्वास है बाड़मेर जिला में आप टेंशन मत कर दो, मैं लारे नहीं लारे आकर राजस्थान में इतना बाकी रही बात एक ही है कि जाति रहा समीकरण लेने हाल जो एड़ो नहीं है कि एकला जाटो नहीं गरबारियों नहीं नहीं कणबी सौंदरियों नहीं नहीं परितो नहीं हेंगो ने लेने हाल जो, तो आज की तारीख में सती हाँ सीटों उनमें छह सीटों आप हुता हुता काट बाड़मेर रही ए अठे घना हेलीकॉप्टर आवी घनी हवाई जहाज आवी घना लंबा लंबा सोड़ा उस्तरी टाइट पहरी आवे कन्ने वातो मती आवजो, कोई लोभ दे लालच दे पांच साल हिंद गया था भाई आज थी मन डबोल बनावा आवाज नो ए सीज वाले ने गोंट भी दीजो आप कन्नी वातों में मती आवजो, कोई कहीं कहीं थाने मंत्री बनावा कोई कहीं थाने चेयरमैन बनावा कहीं मोहरे चेयरमैन हरमान बेनीवाल मंत्री मोहरे हरमान बेनीवाल हरमान बेनीवाल जिंदाबाद में हरमान बेनीवाल हाथे हो तो ही जय नौपरी नावड़ी पार वेला मित्रों पार नहीं वेला ए हमें हितर साल में के फदरटा सोड़ी हमें तीन महीना यही जे डबोल बनवारी दन आणो रे हमके कोई डबोल बनजो मती, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सताराम जी देवासी साहब, एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय सताराम जी के लिए, आदरणीय सताराम जी कम से कम 70 साल से ऊपर की उम्र में है फिर भी हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं इस कार्यक्रम की अगले पायदान पर हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में विराजे हैं जिस शख्सियत ने बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किसानों के लिए किया, हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय श्री जय सिंह जी साहब उंडू के पूर्व सरपंच आदरणीय जय सिंह जी आज हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, आप सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय जय सिंह जी का स्वागत सत्कार करें। मैं हमारे बीच में विराजमान आदरणीय पुगराज जी गर्ग साहब प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खीवसर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और आदरणीय श्री जय सिंह जी साहब को दुपट्टा पहनाकर आप पार्टी ज्वाइन करावे, आप जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय जय सिंह जी साहब का स्वागत सत्कार करें, जोरदार नारा लगाए हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद रालोपा जिंदाबाद रालोपा जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता अभियान को लेकर आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले पायदान पर श्री दीपाराम जी चौधरी दीनगढ़ और श्री विष्णाराम जी चौधरी आप भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी आए और आदरणीय श्री पोखराज जी गरग साहब और आदरणीय नारायण बिनवाल जी के हाथों पार्टी की सदस्यता लें। वैसे आज पार्टी सदस्यता का कोई कार्यक्रम था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आए और पार्टी की सदस्यता लें। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं निवेदन करूंगा हमारे विश्वमान विराजमान हम सबके लाडले आदरणीय श्री अंबेदाराम जी बनवाल साहब, आप आए और हम सबको उद्बोधित कर लाभान्वित करावे। आदरणीय श्री अंबेदाराम जी बनवाल साहब, आप जोरदार तालियां बजाएं एक बार अंबेदाराम जी के लिए। उम्मेदवार बनीवार जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान बनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बनीवाल जिंदाबाद। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सदस्यता महाअभियान के तहत प्रोग्राम रखा गया, इसके अंदर पधारे हुए हमारे प्रदेश संयोजक श्री पुखराज जी गर्ग साहब, सह संयोजक नारायण जी बेनीवाल साहब, जोधपुर संभाग के संयोजक राजू राम जी खोजा साहब, सताराम जी देवासी साहब, हरदाराम जी, जय सिंह जी जो आज अपनी पार्टी ज्वाइन की है, दायम खान जी फौजी साहब, सम्मानित मंच और पूरे जिले से पधारे हुए पार्टी के तमाम कद्दावर नेता कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता जो बहुत पुराने समय से पार्टी की रीति नीति से जुड़े हुए हैं और जब भी थोड़ा सा संदेश करते हैं जिला मुख्यालय पर, कोई मीटिंग हो चाहे किसी को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत हो, एक संदेश पर तत्परता से आने वाले तमाम जिले भर से आए हुए कार्यकर्तागण, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने छोटे से संदेश के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। पहले जयपुर के अंदर ये 31 जनवरी को 31 अगस्त को ये जो अपना कार्यक्रम था उसके अंदर सीमित लोगों को वहाँ बुलाया था कि इतनी दूर से पूरे राजस्थान भर से अलग अलग विधानसभा से 10-10 लोगों को बुलाया और 31 जुलाई को आपने हनुमान जी का जो संदेश था उससे भी डबल लोग पहुँच गए थे। इतना पार्टी के प्रति आपका जोश और जुनून है। अगर ये आपका जोश और जुनून ऐसे ही कायम रहा तो निश्चित तौर पर पार्टी दिन दोगुनी और रात सौगुनी प्रोग्रेस करेगी। और उस जयपुर वाले कार्यक्रम के अंदर कई लोगों को समाचार नहीं हुआ तो लोग नाराज़ भी हुए, तो इसीलिए नारायण जी से और पुखराज जी गर्ग साहब से एक निवेदन किया कि जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम रखा था उसी तर्ज के ऊपर बाड़मेर मुख्यालय पर प्रोग्राम रखेंगे और इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज यहाँ प्रोग्राम के अंदर पधारे। और हो सकता है आज भी जो पूरे कार्यकर्ताओं को समाचार नहीं कर पाए क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सीमित लोगों का प्रोग्राम था और इस
प्रोग्राम को ऐसे ही जिला मुख्यालय से आगे विधानसभा मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम मुख्यालय और बूथ लेवल तक इसी प्रोग्राम को ऐसे ही ले जाना है। और आप जो हनुमान जी ने हमें टारगेट दिया है उस टारगेट को बखूबी निभाना है। अगर अपन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 75,000 कार्यकर्ता अपन बना देंगे तो ये टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। और आपके जोश और जुनून से देखकर लग रहा है शुरुआत थोड़ी सी धीमी है, लेकिन हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो नेताजी ने हमें टारगेट दिया है अपन उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार नेताजी का संघर्ष रहा वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार युवाओं, जवानों, किसानों के लिए हमेशा जब भी कोई भी संकट में होता है, मुसीबत में होता है, तो नेताजी हमेशा उनके लिए काम आते हैं। और सत्ता के और अन्याय के खिलाफ अगर जागरूक किया और लड़ना सिखाया है तो हनुमान जी ने सिखाया है। और नए जवानों को राजनीतिक रूप से जागृत किया है। और हमारे जैसे मेरा ही उदाहरण दे दूं कि नॉर्मल परिवार से आते हुए और मैंने कभी सोचा नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस बीजेपी में पहले सब लोग जुड़े हुए थे, कांग्रेस कई कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कई बीजेपी से जुड़े हुए था, तो हमने भी 2015 के अंदर मंडल का जो पंचायत समिति सदस्य का टिकट मांगा था तो उन्होंने ये कह के दरकार कर दिया कि आप तो इसके काबिल नहीं हो और पार्टी के अंदर कई सेवा करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब वो टिकटें मिलती है, ऐसे कैसे टिकटें कहाँ पड़ी थी। लेकिन हनुमान जी ने जो संघर्ष किया और नई पार्टी बनाई, नए नेता बनाए, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं को इस स्टेज तक पहुँचाया। वैसे जब स्कूल में पढ़ते थे तब कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी आगे अपन बढ़ेंगे। भाई स्कूल में कई लोग तो अपनी राजनीतिक विरासत का उदाहरण देते हैं, कई घराना बताते हैं, कई पूर्वजों का उल्लेख करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आरएलपी पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल किसान के बेटे हैं और ज़मीन से उठे हुए हैं। उनके पीछे इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। ये हनुमान जी की देन है कि उन्होंने संघर्ष करना सिखाया और इस स्टेज तक आज बोलने का मौका दिया, तो उनके ही संघर्ष का परिणाम है। वैसे हनुमान जी सत्ता परिवर्तन में, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम छिड़ी है कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, हर जगह कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी और सिफारिश के बिना कोई काम नहीं होता, अपराध के क्षेत्र के अंदर राजस्थान जिस तरीके से बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछड़ रहा है, लोग मूलभूत आधारभूत सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं और राजनीति के अंदर द्वेष और ईर्ष्या की भावना इतनी फैल गई है कि आम लोगों का स्वतंत्र रूप से जीना मुश्किल हो गया है। उनको किसी न किसी को किसी न किसी पार्टी की गुलामी करनी पड़ती है। तो हनुमान जी का ये मिशन है कि राजनीति के अंदर भी ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो लोगों को किसी नेता की गुलामी नहीं करनी पड़े। और उन्होंने नेताओं को जनता के बीच में, जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो सिखा दिया। जो राजनेता कई घंटों मिलने का इंतजार करना पड़ता था और कई कई बार फोन करने के बाद में भी फोन नहीं उठाते थे, वो उन नेताओं की आज ये हालत हो रखी है कि आधी घंटे के अंदर भी वो झट से फोन उठा लेते हैं और जब भी कहीं बुलाते हो या मिलने के लिए जाते हैं तो 10 कदम सामने चल के आते हैं। ये हनुमान जी के संघर्ष का ही परिणाम है। तो साथियों, अपनी आरएलपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और इस अभियान को बूथ और ढाणी तक पहुंचाना है। बूथ लेवल तक तो जाना ही जाना है, बूथ से आगे जैसे एक बूथ के अंदर 10 ढाणी है, किसी बूथ के अंदर 15 ढाणियां हैं, एक एक ढाणी के अंदर 100, 150, 200 वोट हैं, वहां तक इस अभियान को ले जाना है और पार्टी की रीति नीति से सबको जागरूक करना है। और वैसे नारायण जी बेनीवाल साहब और आपको बता देंगे, पुखराज जी भी बताएंगे, लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि इस सदस्य अभियान के अंदर जो अपने बूथ लेवल के ऊपर, गांव लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल के ऊपर, पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल
और विधानसभा क्षेत्र के लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा जो सदस्य जोड़ेगा उनको हनुमान जी और नारायण जी के हाथ से पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ऐसी भी विचारधारा है। तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा सदस्य कैसे जुड़े और आम जन तक पार्टी की रीति नीति को कैसे पहुंचाएं, इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है। विपक्षी दल बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, कोई अलग अलग बयान और टिप्पणियां करते रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ आपने को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कई अभी लोग जो 4.5 साल तक बिल्कुल घरों के अंदर चुप थे और मिलने से भी इनकार करते थे, उन लोगों के अभी खलबली मची हुई है और एक दूसरे की होड़ लगी हुई है कि अपने को कैसे अच्छा साबित करें। तो उनकी तरफ भी आपको उनकी बातों के अंदर नहीं आना है, जो बरगलाने की कोशिश करेंगे उनके झांसों के अंदर नहीं आना है। बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे कि हमने क्षेत्र के अंदर ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, उनको ये सबसे पहले ये पूछना है कि आप 4.5 साल तक कहाँ गए थे, 4.5 साल के अंदर आपने क्या किया वो बताओ। अब तो आप बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर कर रहे हो और 4 साल के अंदर जो काम विकास के होने चाहिए थे वो आपने जानबूझकर रोक के रखे और अभी आए हो तो उनको बातों के अंदर कोई नहीं आए, इसलिए आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है। और सरकार जो अभी महंगाई राहत के नाम पर जो जनता का पैसा किस प्रकार से लूटा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम कैंपों के अंदर राहत दे रहे हैं, अगर राहत आपको देनी थी तो आप पेट्रोल डीजल के अंदर देते और जब सत्ता में आए तब देते। आज 4.5 साल हो गए राजस्थान के अंदर, जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात यूपी हरियाणा उनसे 10 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल महंगा है, तो महंगाई की कमर तो वैसे ही तोड़ दी जनता। आपने महंगाई कम करने की नीति नहीं है, आपका ये भ्रमक और जैसे लुभावना प्रचार है कि लोगों को किस तरीके से लोभ और लालच देकर अपने पक्ष में करें, लेकिन जनता समझदार है, वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। अब सब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जागरूक है कि इन प्रचार कैंपों के माध्यम से जनता के पैसे के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जितनी बड़ी घोषणाएं की कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, वो करेंगे, लेकिन धरातल के ऊपर 2-5% भी काम नहीं हुआ, खाली हवा हवाई बातें करने से ये प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। अब जनता को जागना है, कांग्रेस और बीजेपी की मिली भक्ति को तोड़ना है और जनता के सामने नया जो हनुमान जी ने विकल्प दिया है सत्ता परिवर्तन का, और उसके तहत अपन सभी को इस जनता को सब समझाना है और अपने सत्ता परिवर्तन कैसे हो इसके ऊपर अपने को पूरा पूरा फोकस करना है। आप बड़ी संख्या में पधारे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोग्राम को अपन बूथ लेवल तक और ढाणी लेवल तक जाकर जो हनुमान जी ने हमको टारगेट दिया है हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेदाराम जी। कार्यक्रम के अगले पायदान पर अभी हम सब लोग हमारे आदर्श किसान नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर 1-2 मिनट में, वैसे उनके ऊपर कई घंटों कई दिनों दिन लग जाए ऐसी फिल्में भी बन सकती है, लेकिन एक किसी कलाकार ने एक छोटा सा प्रयास किया है, 2 मिनट का एक जो फिल्म की क्लिप है वो हम सब लोग देखेंगे। आप जोरदार तालियां बजाकर हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। शब्द तलवार से, बेबाकी कटार से, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली, एक ऐसा नेता जो जितना जमीनी उसके विचार उतने ही गगनचुंबी, निडर ऐसा कि सरकारों को झुका दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक
हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ग्राम बरण गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। इसी शब्द तलवार से, बेबाकी कटार से, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली, एक ऐसा नेता जो जितना जमीनी उसके विचार उतने ही गगनचुंबी, निडर ऐसा कि सरकारों को झुका दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ग्राम बरण गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। इसी संकल्प के साथ राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपना सफरनामा शुरू किया। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी नागौर जिले की मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से दो बार शब्द तलवार से, बेबाकी कटार से, और किरदार ऐसा कि कोई शब्द तलवार से, बेबाकी कटार से, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली, एक ऐसा नेता जो जितना जमीनी उसके विचार उतने ही गगनचुंबी, निडर ऐसा कि सरकारों को झुका दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ग्राम बरण गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। इसी संकल्प के साथ राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपना सफरनामा शुरू किया। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी नागौर जिले की मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे, परंतु हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता के राजनीतिक जीवन को ढाल बनाए बिना उनके राजनीतिक संघर्ष और व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारकर जनहित के लिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हनुमान बेनीवाल ने अपना सफर छात्र राजनीति से शुरू किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान कॉलेज में वर्ष 1993 में बतौर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1995 में राजस्थान विधि कॉलेज के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वर्ष 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय के सिरमौर बनकर अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय विजय होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति का संघर्ष। श्री हनुमान बेनीवाल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, मगर अपने निर्णय पर अटल रहना इनकी प्रमुख विशेषता है। वर्ष 1997 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की फीस में 16 गुना की वृद्धि की गई, तो उसके खिलाफ वो विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों के आरक्षण को लेकर आंदोलन किया तथा 17 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की। तब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार को झुकना पड़ा। वह हनुमान बेनीवाल से वार्ता के लिए अपने 3 मंत्रियों को जयपुर स्थित केंद्रीय कारागार में भेजा, जहां सरकार के प्रतिनिधियों ने हनुमान बेनीवाल की मांगों को मानते हुए फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों को 5% आरक्षण देकर अनशन को समाप्त करवाया। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर। श्री हनुमान बेनीवाल ने नवगठित ख्यूसर विधानसभा से 2008 में भाजपा से चुनाव लड़ा और नागौर जिले से रिकॉर्ड मतों से विजय हुए, परंतु पार्टी में सामंतवाद से प्रेरित सोच से अधीन कार्य करने से इनकार कर दिया और राज्य के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने लगे। और प्रदेश में जहां जहां किसान व युवा पर अत्याचार हुआ, वहां वहां हनुमान बेनीवाल उनकी आवाज बनकर पहुंचे और किसानों तथा युवाओं के दिल में विशेष जगह बनाई। पार्टी की विचारधाराओं के ऊपर उठकर उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी और वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में ख्यूसर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। जनता ने ख्यूसर से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकार दिया और हनुमान बेनीवाल ख्यूसर से भारी मतों से विजयी हुए। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013 विधानसभा चुनाव में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्यूसर क्षेत्र के कुचेरा कस्बे में जनसभा भी की। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन की शुरुआत और आरएलपी का गठन। विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों, युवाओं के हितों तथा आम आवामों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ किसान हुंकार महारैली के रूप में जन आंदोलन की शुरुआत की और 7 दिसंबर 2016 को नागौर जिला मुख्यालय पर, 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, 4 फरवरी 2018 को बीकानेर जिला मुख्यालय पर तथा 10 जून 2018 को सीकर जिला मुख्यालय पर लाखों लोगों की मौजूदगी में इन किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया। और मुख्य मुद्दे थे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कृषि हेतु मुफ्त बिजली,
स्वामीनाथ आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने, टोल मुफ्त राजस्थान, बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने तथा उद्योगों में 80% तक स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे दर्जनों जनहित से जुड़े मामले शामिल थे। जनमानस की मंशा के अनुरूप दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को राजधानी जयपुर में लाखों लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुई किसान हुंकार महारैली में स्वच्छ, सरल, समर्पित नारे के साथ राजस्थान के पहले क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और हनुमान बेनीवाल जी के संघर्षों के परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी से 3 विधायकों को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने आरएलपी की ताकत और हनुमान बेनीवाल के तेवर को देखते हुए नागौर संसदीय क्षेत्र की सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा से भारी मतों से विजयी होकर देश की संसद में पहुंचे और नतीजा ये रहा कि हनुमान बेनीवाल तथा आरएलपी की मदद की वजह से राजस्थान के अन्य सभी 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिनमें से कई लोकसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल के प्रचार की बदौलत किसान वर्ग व उनके चाहने वालों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की डूबती नाव को बचाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर और अंदाज बरकरार रखा और जिस बेबाकी से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे में अव्वल रहे, उसी तर्ज पर संसद में ERCP, आरक्षण, महंगाई तथा किसान, दलित व वंचित तथा पिछड़े तबके की आवाज को बुलंद किया तथा राजस्थान के सभी सांसदों में से जनहित के मुद्दे उठाने में अव्वल नजर आए। वर्ष 2020 में जब केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लाई, तब किसानों के समर्थन में केंद्र की NDA सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 70 दिनों तक RLP के समर्थकों के साथ मौसम की विपरीत परिस्थितियों में सड़क पर बैठे रहे और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़े। भारतीय सेना में जब अग्निपथ नाम की योजना लाकर संविदा भर्ती प्रारंभ की, तब देश में सबसे पहले सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल ने सेना को ठेके पर देने की योजना का विरोध किया और जून 2022 में जोधपुर मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ 2,00,000 युवाओं की रैली करके कड़ा संदेश केंद्र की सरकार को दिया। वहीं देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई में सबसे पहले उनका साथ दिया तथा प्रदेश भर में पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं जालौर के इंद्र मेघवाल प्रकरण, थाना गांजी में दलित महिला के साथ सामूहिक दुराचार, अलवर की मुखबधिर बालिका के साथ हुए अन्याय तथा बीकानेर के खाजूवाला में दलित बालिका का सामूहिक दुष्कर्म करके हुई हत्या जैसे दलितों पर हुए अत्याचारों से जुड़े दर्जनों मामलों में प्रखर रूप से दलित हितों की परोपकारी की तथा राजस्थान में किसी भी वर्ग पर हुए अत्याचार तथा अन्याय के मामले में सबसे पहले न्याय की लड़ाई की अगुवाई हनुमान बेनीवाल करते हैं। संघर्षशील, कर्मठ, बेबाक तथा मिलनसार छवि के धनी हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के साथ हर वर्ग और समाज के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। एक महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में बनी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजस्थान का नव निर्माण करना चाह रही है, जिसमें आप सभी का सहयोग व योगदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाइयों, अब बारी है एक होकर नए राजस्थान के निर्माण की। अब बारी है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भूमिका सत्ता में लाने की। अब बारी है आरएलपी को सत्ता में लाने की। इसलिए आओ चलें आरएलपी के संग। धन्यवाद। पांच कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको आप दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले पायदान पर उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और जब से मैं समझने लगा उसके बाद में छात्र राजनीति के अंदर अगर सबसे ज्यादा आंदोलन और छात्र हितों के लिए हमेशा जिन्होंने आज भी संघर्ष किया, ऐसे संघर्ष के पर्याय हम सब के लाडले आदमी राजीराम जी खोजा साहब आए और हम सब लोगों को आप उद्बोधन कर हमें लाभान्वित कराए। आदमी श्री राजीराम जी खोजा। पीछे जितने भी छात्री बैठे बताओ आवाज आ रही है क्या साहब? आवाज आ रही है ना? भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता महाअभियान को लेकर आयोजित इस सभा के अंदर अपने बीच में उपस्थित सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक परम आदरणीय पुखराज जी अग्रक साहब, हमारे बीच में उपस्थित पंचायत राज की पवन धरती नागौर से चलकर और जो प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुआ था उस बाई इलेक्शन के अंदर एक तरफ नारायण जी बेनीवाल थे और एक तरफ राजस्थान की पूरी सरकार थी, पूरे मंत्री थे, हर समाज और जाति के नेता थे। वर्तमान सरकार को घुटने टिकाकर राजस्थान की विधानसभा के दलित पर पहुंचने वाले परम आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब, यहाँ के आपके लोकप्रिय नेता बड़े भाई उमेश जी बेनीवाल साहब, सत्यराम जी देवासी जी, सम्मानित मंच और तमाम दूरदर्श पधारे हुए इस बाड़मेर के हर विधानसभा क्षेत्र से, हर गांव रानी क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत सिपाहियों, सबसे पहले तो मैं पूरे पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका इस पवित्र प्रांगण के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, उमेश राम जी को और बाड़मेर जिले की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस संख्या में और जिस तादाद के अंदर और जिस जोश के साथ आप यहां पधारे हो, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर ऑनलाइन जो अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो मेंबरशिप की साइट है, बाड़मेर निश्चित रूप से राजस्थान के टॉप नंबर पर नजर आएगा। जिस हालात और जिस जोश के साथ आप आए हो, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, आज जो आप बड़ी संख्या में आए हो, जोश के साथ आए हो, वो जोश 31 अगस्त तक मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता के अंदर आप अपनी हिम्मत और ताकत जोगना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो उमेश जी ने राजस्थान की राजनीति जयपुर के अंदर
जो घोषणा करके आए थे, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं इसी जोश और उम्मीद के साथ आप काम करोगे तो उमेश जी की बात भी फार पड़ेगी और बाड़मेर का मान पूरे राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी के सरमोर होगा, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। साथियों, बाकी तमाम बातें आपके बीच में आदरणीय गर्ग साहब है, आदरणीय नन्नाजी भाई साहब है, पूरी बात बताएंगे, समय अभाव है, मैं तो आपके बीच में कम शब्दों में मेरी बात खत्म करूंगा। देखिए, देश की आजादी से पहले जो एक व्यवस्था थी इस हिंदुस्तान के अंदर, देश पूरा गुलाम की कड़ियों में था, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर उन व्यवस्थाओं के खिलाफ भगत सिंह जी ने और कई वीरों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर देश 1947 में आजाद हुआ था। और देश आजादी के होने के बाद, देश से पहले, आजादी से पहले तो भगत सिंह अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और देश की आजादी के बाद आज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो दो निकम्मी सरकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, जो पिछले देश की आजादी के बाद आज तक जो अव्यवस्था है, उन अव्यवस्था के कोई खिलाफ लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो राजस्थान का शहर एक भगत सिंह की भूमिका के अंदर, हनुमान बेनीवाल आपको असली आजादी, लोकतंत्र की आजादी, व्यवस्था परिवर्तन की आजादी दिलाने के लिए प्रयास कर रहा। भाइयों, मैं तो एक ही उम्मीद करना चाहूंगा, आज भगत सिंह और बाबा साहब जब ऊपर से अगर देश को देख रहे होंगे तो उनको भी रोना आता होगा कि हमने फांसी के फंदे पर इसलिए झूले थे क्या, कि यह सपना थोड़ी थका था। आज अखबार देख लो, टेलीविजन देख लो, मोबाइल देख लो, कोई सोशल साइट देख लो, कभी मर्डर, कभी कोई रेप, कभी मतलब कला का, मतलब पूरे का पूरा सिस्टम है वो आपके सामने है। ये जो प्रदेश है, जो कोई समय शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन वसुंधरा और अशोक गहलोत के गठजोड़ में इस प्रदेश को अपराध के मामले में एक नंबर पर ले गए। भाइयों, मैं तो आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल के सपनों को मजबूत करने के लिए ये जो विचारधारा, ये जो मेंबरशिप जो पार्टी करवा रही है, मैं तो आपको कहना चाहूंगा, आप तो गांव गांव डाणी डाणी जाकर, आपको उमेश जी और भाई साहब नारायण जी पूरी बात बताएंगे कि किस सिस्टम से आपको मंडल स्तर की, ग्राम पंचायत स्तर की, विधानसभा स्तर की और बूथ स्तर की कार्यकारिणी बनेंगे, और आपको, आप तो निश्चित रूप से गांव ढाणी के उन दरवाजे और उन चौकर पर जाके एक ही बात बोलनी है कि मैं हनुमान जी की सेना से आया हूं। हनुमान बेनीवाल अपने आप एक विचारधारा है, आपको तो हनुमान जी का नाम रहता ही अगले व्यक्ति को, अगले पूरे परिवार को बात समझ में आ जाएगी कि इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन करने वाला योद्धा है, मजबूत व्यक्ति है, मजबूत विचारधारा। भरोसा दिलाता हूँ, जो तौर उम्मीद के साथ काम करना, आने वाले समय अपना है, और 2023 के अंदर इस जयपुर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ध्वजा लहराएगी। जय आरएलपी, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू राव जी साहब। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में उदय भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता महाभियान के प्रदेश संयोजक आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब से कि आप आए और हम सबको उद्बोधित कर लाभान्वित करावे। जोरदार आप नारा लगाए, पुखराज जी गर्ग जिंदाबाद। आज बाड़मेर के अंदर सदस्यता से सत्ता की ओर महाभियान के इस मीटिंग के अंदर हमारे बीच में उपस्थित चुनसर के लोकप्रिय विधायक और हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में हमेशा लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सामान्य नारायण जी बेनीवाल साहब, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि और संभाग के सदस्यता अभियान के प्रभारी भाई राजू राम जी खोजा, बाड़मेर जिला के सदस्यता अभियान के प्रभारी भाई उम्मेदाराम जी और संभाग के सह प्रभारी सत्ताराम जी, अर्धाराम जी, उम्मेदाराम जी बेनीवाल, भाटी साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी युवा साथियों का, बुजुर्गों का,
इस महाअभियान के अंदर आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप जो पधारे हैं इसके लिए धन्यवाद। साथियों, आपने भी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हनुमान जी बेनीवाल साहब के संघर्ष के बारे में एक जानकारी ली। आपने हमेशा देखा होगा हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो संघर्ष किसान के बेटों को, दलित को, गरीब को न्याय दिलाने का जो आगाज सन 93-93 से जो शुरू किया और अभी जिस स्थिति में हम सभी लोग बैठे हैं, उस सारे संघर्ष के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब ने अकेले ने संघर्ष किया, पार्टी बनाई और पार्टी के जरिए पूरा प्रदेश के अंदर सती सी कौम के लोगों को टिकट देकर 2018 का चुनाव लड़ा। लोगों के अंदर ऐसी भावना थी कि हनुमान जी बेनीवाल साहब के कहने से ऐसे कोई वोट डाइवर्ट नहीं होंगे या ऐसे कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन 2018 के अंदर 3 विधायक जीते, 10 लाख वोट आए और जब वोटों की ताकत दोनों पार्टियों को दिखी, जब दोनों पार्टियों के अंदर जब एमपी के चुनाव आए, एमपी के चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर ये वोट लगी हुई थी कि हनुमान जी बेनीवाल साहब से समझौता कौन करे। समझौता हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हनुमान जी बेनीवाल साहब सांसद बने और सांसद बनने के बाद जब विधायक थे, जब प्रदेश के सारे दलित गरीब और किसान के वर्ग की बात है वो विधानसभा के अंदर बेबाकी से उठाते थे और जब सांसद बने, जब भी उन्होंने हमेशा राजस्थान के मान सम्मान की कोई भी बात हो, चाहे किसान की हो, दलित की हो, महिलाओं की हो, सारी बात है संसद के अंदर मजबूती के साथ उन्होंने रखी और प्रदेश का उस दिल्ली की माँ पंचायत के अंदर प्रदेश का मान बढ़ाया। प्रदेश से 25 सांसद हैं लेकिन संसद के अंदर एकमात्र सांसद हैं जिनकी हमेशा संसद के अंदर आवाज़ गूंजती है और प्रदेश के मान सम्मान की हमेशा बात करते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर चाहे दलित परिवार हो, चाहे किसानों के हड़ताल की बात हो, उसमें सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का संदेश ट्विटर के जरिए अगर सामाजिक फ्रंट पे आता है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आज प्रदेश के अंदर आम पब्लिक के अंदर, सती सी कौम के अंदर एक ऐसी विश्वास पैदा हो गया है कि प्रदेश के किसी भी कोने पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा हो तो उसे अंतिम स्वर पर बैठे हुए व्यक्ति का भी यह आवाज आती है कि मेरे साथ तकलीफ है और हनुमान जी बेनीवाल साहब अगर इस बात को अपने ट्विटर के जरिए उठाए या अपने संसद या विधानसभा के अंदर अपने विधायकों के जरिए उठाए तो हमारा, हमें न्याय मिल जाएगा, हमारा मान सम्मान बच जाएगा, ऐसी आम पब्लिक के अंदर कोई आस्था और विश्वास पैदा किया है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा इस देश की सबसे बड़ी किसानों का जो प्रदर्शन था, सबसे इस देश का आज तक के इतिहास का 14 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे, हमारे प्रदेश से 25 एमपी जीत कर गए, लेकिन जब वोटों का समय था, जब वो आप लोगों के बीच में
किसान के बेटे बनकर आ जाते हैं, किसान के आपके बीज के बताकर आपसे वोट बटोरने आ जाते हैं, लेकिन 14 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे और उन किसान के बेटों की एक आवाज तक नहीं निकली, संसद के अंदर नहीं बोले और यहाँ तक कि संसद से बाहर आकर हमारे उस किसान भाइयों के बीच में आकर बैठ भी नहीं पाए। ऐसे लोग भी जो किसानों के नाम से वोट लेकर गए हैं, ऐसे लोगों को भी आपको 2023 के अंदर समझने की बात है, ऐसे लोगों को ध्यान रखने की बात है कि वोटों की टाइम किसान के बेटे कौन बनते हैं, वोटों के टाइम में हमारे भाई कौन बनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से कोई आफत आती है, किसान के कोई तकलीफ होती है तो कौन सा किसान का बेटा आपके बीच में आकर खड़ा रहता है और रात की 2 बजे भी आपकी बात अगर कोई व्यक्ति उठाता है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कहीं भी अत्याचार हुआ हो दलित परिवार के ऊपर, चाहे बाड़मेर का प्रकरण हो, चाहे जालौर का प्रकरण हो, चाहे नागौर और चौमू का प्रकरण हो, चाहे अलवर का थानागंजी प्रकरण हो, दलित परिवार के साथ में अन्याय हुआ, सबसे पहले अगर कोई आवाज़ आती है तो वह हनुमान जी बेनीवाल साहब की आती है। और विधानसभा के अंदर इस देश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, इस 75 साल के इतिहास के अंदर विधानसभा के अंदर किसी दलित पर अत्याचार हुआ हो और विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे हो, वो थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक थे जो हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देश पर विधानसभा के अंदर धरना देकर उन दलित परिवारों को न्याय दिलाया। तो ऐसी शख्सियत जो हमेशा प्रदेश में छत्तीसी कौम के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे शख्सियत को आप मजबूत करें। अभी लोग कहते हैं, बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं उनके बाद में और तो कोई बात करने की होती नहीं है, एक बात जरूर जोर जोर से करते हैं कि हनुमान जी जाटों के नेता हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में प्रदेश के अंदर किसी भी जाति समाज के साथ में वर्ग के साथ में अगर अत्याचार हुआ हो तो सबसे पहले आवाज़ संसद के अंदर उठी है तो वह हनुमान जी बेनीवाल की थी। आपने देखा होगा जोधपुर का भूंगड़ा प्रकरण जिसका संबंध बाड़मेर से भी था, जिस परिवार के अंदर शादी थी, बरात रवाना हो रही थी, वो बरात भी बाड़मेर के किसी गांव में आने वाली थी और उस परिवार के अंदर जो गैस की टंकी ब्लास्ट होने से जो त्रासदी हुई, जो हादसा हुआ जिसके अंदर 34 मौतें हो गई थी, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इस संसद के अंदर 543 संसद बैठते हैं लेकिन एकमात्र शख्स थी जिसने अध्यक्ष के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी आज मैं बोलने से मुझे नहीं रोक सकते, मेरे प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, 34 मौतें हो गई, मैं इस हादसे को उठाऊंगा, संसद के अंदर बोलूंगा। आपने वीडियो देखा होगा, अध्यक्ष बार बार रोका था लेकिन हनुमान जी बोले जा रहे थे। ये शख्सियत है जिसके दिल के अंदर दिमाग के अंदर एक अपने एक दर्द होता है, किसी कौम के साथ में कोई अत्याचार हो तो हमेशा उनके दिल में एक दर्द होता है, एक जुनून पैदा होता है कि मैं इसको न्याय कैसे दिला सकता हूँ, मैं इसका काम कैसे करवा सकता हूँ। मैं विधायक बना पिछले 5 साल से मैं हनुमान जी के अनुसार में हूँ, मैंने नज़दीक से उनको महसूस किया है। ऐसी शख्सियत मैंने राजनीति के अंदर नहीं देखी होगी, नहीं आपने सुनी होगी कि उस व्यक्ति को रात को नींद जब ही आती है जब वो विश्लेषण करते हैं कि मैंने आज कितने परिवार को न्याय दिलाया,
मैंने आज के वक्त के काम किए, मैंने कितने लोगों को आज न्याय दिलाया, उस काम के आधार पे जब उनको तसली होती जब ही नींद आती है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा समाज के सत्य इसी कौम के लिए संघर्ष किया और संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बाड़मेर के अंदर ये बात आई थी कि हनुमान जी बेनीवाल साहब बजरी माफिया से मिले हुए। मैं उन शख्स को बताना चाहता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल वो शख्सियत है जिसने बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल के 8 बड़ी रैलियाँ की, और 8 ही रैलियों के अंदर ये प्रदेश का पहला नेता है जिसने माइनिंग के एमी से, माइनिंग के इंजीनियर से उन बजरी माफिया के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कराए। माइनिंग के जो तकनीकी टीम है, जो माइनिंग की विजिलेंस की टीम है, उनसे स्टॉक वेरीफाई कराया, उनसे माइन की लीज वेरीफाई करी। ऐसा कोई सक्सेस राजनीति के अंदर है तो वह हनुमान बेनीवाल है। आपने देखा होगा इतना संघर्ष करने के बाद में अभी 31 जुलाई को सदस्यता से सत्ता की ओर का मां अभियान का आगाज किया, और उस शख्स ने पहली बार आप लोगों को एक लक्ष्य दिया है। हमेशा संघर्ष उन्होंने अकेले ना किया है, लेकिन इस बार आप लोगों को लक्ष्य दिया है, आपको वक्त के लक्ष्य दिया है, आपके जिला का लक्ष्य दिया है, आपके विधानसभा का लक्ष्य दिया है, आपके ब्लॉक का लक्ष्य दिया है, आपके ग्राम पंचायत का लक्ष्य दिया है, और अंतिम आपके बूथ का भी एक संयोजक बना के उसको भी एक सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। तो जो 23 सालों से उन्होंने संघर्ष किया है आप लोगों के लिए, सतीसी कौम के लिए, अब आपका भी फर्ज बनता है कि उन्होंने जो आप लोगों को लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य पे खड़े उतरे, और जो हमें लक्ष्य दिया गया है, जो हमें टारगेट दिया गया है बाड़मेर के अंदर, उस टारगेट से अधिक सदस्य बनाकर उन हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करना है। यही बात करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप सभी लोग बड़ी तादाद में पधारे बाड़मेर के अंदर। एक चीज तो मैंने देखी है, पंचायती राज के सुना में भी मैं हनुमान जी के साथ में था, पूरे जिले के अंदर हमने मीटिंगें ली थी। आप लोगों में जोश तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पता नहीं उस जोश को उस रिजल्ट में आप तक परिवर्तन नहीं कर पाए, उसमें भी आपको बैठ के मंथन करना चाहिए। खाली भीड़ इकट्ठी होने से, एक जगह आके आओला करने से नहीं, हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, और वो रिजल्ट इस बार सदस्यता अभियान का जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त करके आप दोगे। जब ही हनुमान जी बेनीवाल साहब को गर्व होगा कि हमारे बाड़मेर के अंदर ऐसे सच्चे कार्यकर्ता है जो मेरे लिए हमेशा 24 घंटे काम करते हैं। पुणे में आप सभी लोगों का इस पवित्र प्रांगण के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फुकरा जी गर्ग साहब। हमारे बीच में सदस्यता महाभियान के जैसलमेर के जिला संयोजक अमर सिंह जी गोदारा पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के अगले पायदान पर हम लोग ऑनलाइन सदस्य कैसे बने इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जो क्लिप बनी हुई है वो मैं मीडिया क्रम से कहूँगा कि आप वो शुरू करें, हम सब लोग वो देखकर। वैसे मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग, 95% लोग किस प्रकार अपन लोग सदस्य बने ये सब जानकार हो, फिर भी हम लोग देख लें एक बार। राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत योद्धाओं नमस्कार। इस सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप जैसे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत योद्धाओं नमस्कार। इस सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप जैसे जुझारू
कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन है। आज हम सीखेंगे कि हमें किस तरह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता दिलानी है। सदस्यता दो प्रकार से दिलाई जा सकती है। नंबर पहला, सदस्यता फॉर्म के माध्यम से। राजस्थान में व्यवस्था राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत योद्धाओं, नमस्कार। इस सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप जैसे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए ये एक ट्रेनिंग सेशन है। आज हम सीखेंगे कि हमें किस तरह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता दिलानी है। सदस्यता दो प्रकार से दिलाई जा सकती है। नंबर पहला, सदस्यता फॉर्म के माध्यम से। नंबर दूसरा, ऑनलाइन मिस्ड कॉल के माध्यम से। सबसे पहले जिसे आप नया सदस्य बनाना चाहते हैं उनसे आप निवेदन करें कि वो पार्टी से जुड़ने के लिए पार्टी का निशुल्क मिस्ड कॉल नंबर 7732877328 पर कॉल करें। कॉल करते ही उनके पास 6 अंक का यूनिक मेंबरशिप कोड आ जाएगा। आपको दिए गए सदस्यता फॉर्म के दो भाग हैं। ऊपर वाले भाग पर आपको उस सदस्य का नाम, मोबाइल नंबर, विधानसभा का नाम, सदस्यता क्रमांक लिखकर उसे अपने पास रख लेना है। सदस्यता फॉर्म के दूसरे भाग में सदस्यता क्रमांक लिखकर उसे फाड़कर सदस्य को दे देना है। इसके बाद आपको अपने पार्टी के वेबसाइट में भी सदस्य को जोड़ना है। प्रिय कार्यकर्ताओं, आपको आपके क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम और शहर में जाकर प्रत्येक मतदाता को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले आपको membership.rlpindia.org की वेबसाइट पर जाना है। यह वेबसाइट आपको अपना प्रोफाइल बनाने और नए सदस्य जोड़ने की सुविधा देता है। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करने हैं। पहले अपने आप को रजिस्टर करें और पार्टी का सदस्य बने। रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर और विधानसभा लिखकर सेव करें और नए सदस्य के पास उनका सदस्यता अंक उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। सदस्य चाहे तो वह अपना फोटो भी डाल सकता है। अब अन्य सदस्य जोड़ने के लिए ऊपर दाहिने हाथ पर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट करें। फिर आपके मोबाइल पर 6 अंक का OTP आएगा, उसे डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने नए सदस्य बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यह वेबसाइट पे आप देख पाएंगे कि आपने कुल कितने लोगों को पार्टी में सदस्य बनाया है। आपको प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सदस्य पार्टी में जोड़ने हैं। सदस्य जोड़ने के लिए आपको सदस्य से आप निवेदन करें कि वो पार्टी में जुड़ने के लिए पार्टी का निशुल्क मिस्ड कॉल नंबर 7732877328 पर कॉल करें। कॉल कटते ही उनके पास अब वह 6 अंक का रजिस्ट्रेशन कोड आप अपने मोबाइल में डालकर उनका नाम और विधानसभा लिखकर सबमिट पर क्लिक करें। अब वह व्यक्ति सफलतापूर्वक आपके प्रोफाइल से पार्टी का सदस्य बन गया है।
और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बाड़मेर की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कम समय और अल्प सूचना के बावजूद आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन युवा साथियों से, क्योंकि आज ये कोई रैली का आयोजन नहीं है, ये आयोजन संगठन हमारा आगे कैसे बढ़े, हमारे परिवार का कुनबा आगे कैसे बढ़े। बुजुर्ग यहाँ काफ़ी संख्या में बैठे हैं, बुजुर्गों को बहुत बड़ा ज्ञान है। आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया हो नौजवान साथियों ने, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और उसके बाद की यदि आपने उस कथा को पढ़ा हो कि जब कर्ण, जब अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का और बाहर आने का सारा वृतांत वो कह सुना रहे थे, जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में था। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जब पूरा वृतांत सुनाया, उसी दरमियान सुभद्रा जी को नींद आ गई और उनकी नींद का खामियाजा अभिमन्यु को भुगतना पड़ा। ये बात आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो ये संगठन की जो बातें हैं, बात करने का एक दूसरे से हमें, ये हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यहाँ एक एक शब्द सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हो सकता है कि हम बहुत ज्ञान की बातें हैं, आप वो बातें सुन के ही नहीं जाओ, तो जिस संगठन को हम आगे मजबूती देने के प्रयास के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो हमारा मोटो तो पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, एक तो आज ये संकल्प लें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसान जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान के अंदर बुलंद कैसे हो। हनुमान जी बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया और इस आवाज के साथ कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों से इतना ही मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि किसानी का काम करने वाली 36 कौम के लोग, जिन्होंने कभी सत्ता के अंदर सुख नहीं भोगा, सत्ता प्राप्ति उनका मकसद कभी रहा नहीं, हमारे जो बुजुर्ग नेता थे उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई कि हमें तो बाहर के जो नेता आते हैं उनकी दरियां बिछाने का काम हमें करना है। हम 75 वर्ष तक दरियां बिछाते रहे और जब एक किसान के बेटे ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ और इस हसरत के साथ कि मैं जिस किसान परिवार से आता हूं, राजस्थान में किसानी का काम करने वाले समस्त मेरे भाइयों का सत्ता के अंदर कहीं ना कहीं कोई रोल होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। ये दूसरी पार्टियों में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए संगठन की जो भी मीटिंग है वो उसके अंदर दो चार बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आज की ऊर्जा हमने सिर्फ इस मीटिंग के लिए खर्च करने का पूरा प्लान बना के हम लोग आए हैं। तो इतना निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से हमारा आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, कहने को लोग बहुत हैं, हनुमान जी पे आरोप भी लगाएंगे, 75 वर्ष देश को आजाद भी हो गए, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। आज तक किसी किसान के बेटे ने नहीं सोचा कि सत्ता प्राप्ति भी हमें करनी चाहिए। एक जब छोटे थे तब एक बात सुनते थे कि चार युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने उनको ये वादा किया कि, क्योंकि पहले के आप लोग देखो, आप हमारे चाहे धर्मशास्त्र की बात हो, क्योंकि सच्चाई पे अड़िग रहने वाले लोग थे, अब तो आज वादा भी करके और कुछ आपको ना दे तो आप उनका क्या कर लोगे लोकतंत्र के अंदर। लेकिन सत्युग की बात है, राजा की मदद चार युवकों ने की और राजा ने विश्वास दिलाया कि आपने मेरी जान बचाई है तो आपकी जो इच्छा है वो आप मांगो। पहले जो युवा था उसकी बारी आई, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में बिजली नहीं है,
राजा को एक आदेश करने की आवश्यकता थी। राजा ने कहा इसके गांव में बिजली लगा दो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में सड़क नहीं है, कि सड़क बना दो। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, कि पीने के पानी की व्यवस्था करो। चौथा व्यक्ति जो है वो बड़ा समझदार था, उसने दो तीन बार राजा जी को कहा कि मांग तो मैं रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप दोगे नहीं। उसने उनको उनका जो वादा था उसको ठोस करने का काम किया। तो राजा ने यह कहा कि मैंने जबन से आपको वचन दे दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपकी जो इच्छा है वह मांगो। तब उस युवक ने कहा कि राजा जी मुझे तो आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं भी कुंवारा हूं। कितनी बड़ी सोच की बात है कि राजा की बेटी से जब उसका ब्याह हुआ तब लाइट भी लग गई, पानी भी आ गया, बिजली पानी सड़कें सब बन गई। तो एक किसान के बेटे ने पहली बार सोचा है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं और आप सबको लेके मैं सत्ता की ओर अग्रसर होऊंगा। और जिस दिन किसान का बेटा राजस्थान के सत्ता के सिरमौर होगा उस दिन छोटी मोटी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसी संगठन की जहां भी बातें हो उनके ऊपर आप बड़ी तल्लीनता से उनको सुना भी करो, आगे हमारी क्या कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीजें हमें सीखने की जरूरत है। मैं आज ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी बैठा मैं ऑनलाइन ये देख रहा था, आज कुछ बच्चे मिस कॉल भी कर रहे थे कि हमारी सदस्यता का जो मिस कॉल है, और आपने भी फरमाया कि मिस कॉल के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, वो शायद अभी त्रुटि ठीक हो गई है। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूँगा कि हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति नहीं एक विचारधारा बन गए राजस्थान के अंदर। किस तरह से एक गरीब घर से किसान का बेटा आगे बढ़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके, पढ़ाई तो सब लोग हम लोग करते हैं, हमने भी अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का हमें मौका मिला, लेकिन पढ़ने के बाद तो व्यक्ति अपने आप के विकास की बात ज़्यादा सोचता है, लेकिन इनके अंदर चूँकि एक भावना भरी हुई थी कि मैं किसान परिवार की जो मान सम्मान है उसको मैं राजस्थान के अंदर और ऊंचाई पर ले जाऊं, और इन्होंने सोचा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल जिस तरह किसान कौमों का जो शोषण कर रही है, हमें भी दूसरे हमारे पड़ोसी राज्यों की भांति तीसरे मोर्चे की स्थापना करके और राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप सबको, युवाओं और किसानों को, कि आप लोग हमेशा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा के साथ चलें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक किसान का बेटा रात और दिन जाग के अपने सारे सपने, उससे ज्यादा तरजीह दी आपके सपनों को, हमारे सपनों को, कि हमारे सपनों को पंख कैसे लगे, हम खुले आसमान के अंदर विकास की ओर अग्रसर कैसे हों, यह सोचा रात और दिन जाग के, और राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़क से लेकर सदन तक वो संघर्ष कर रहा है। उस व्यक्ति को आपको इतना संबल देना है कि उन्होंने जो नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर, उस नारे के अंदर वो कामयाब हो। कई लोग चुनावी समय कई लोग आरोप लगाएंगे, कई प्रत्यारोप लगाएंगे, उन लोगों को थोड़ी कुंठा जरूर है कि अभी कई लोग पूछते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी रैलियां कर रहे हो तो आपको फंडिंग कौन करता है। मैं कहता हूं ईश्वर सब जानता है, और अच्छे काम के लिए कोई फंडिंग की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। और उसकी सबसे बड़ी यदि बात हम देखें तो मेरे हिसाब से बाड़मेर जिला जो है भामाशाहों से भरा पड़ा है। आपने कितने मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से लेके और कितने विकास के काम आज बाड़मेर के अंदर किए। तो मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हमें उन आरोप लगाने वाले लोगों की तरफ हमें नहीं देखना है। जिस तरह जब अर्जुन को पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। इसलिए अपने को एक ही चीज देखना है, हनुमान बेनीवाल की विचारधारा, बोतल का चुनाव चिन्ह, वो जन जन तक गांव गांव और डाणी डाणी तक कैसे पहुंचे। इसके अलावा हमें कोई बात अभी नहीं सोचनी है, न किसी से उलझना है। मैं मेरे सोशल मीडिया पर जो एक्टिव मेरे युवा साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, 3-4 महीने कुछ लोग जिसको इंग्लिश में एक शब्द है ब्रेन स्ट्रोमिंग, यानी वो आपको
ऐसा काम करेंगे कि हमले के लिए वो आपको प्रेरित कर देंगे। ये काम ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है, ये ऐसा सगुबा छोड़ती है जिसे हमारे जो धुरंधर हमारे जो योद्धा है वो कहीं ना कहीं उस जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। और जंग में कूदता आदमी तो शायद मेरे हिसाब से जोश ज्यादा रहता है, होश कम रहता है। युद्ध के अंदर ये रहता है अगले को मारना है, लेकिन हमें ऐसी लड़ाई लड़नी है कि होश के जोश के साथ साथ हमें होश रखना है। हमें कोई ऐसी चाहे डिबेट हो चाहे ऐसा कोई आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट चलते रहते हैं उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि 36 बिरादरी के लोगों को हम एक जाजम पे इकट्ठा करके और उनको ये समझाएं। उसके लिए आप देखिए आज कुछ लोग कहते हैं एक जाति की पार्टी है, मैं कह रहा हूं आज मुझे बहुत सारे चेहरों को मैं जानता हूं जो मंच में बैठे हैं, इन सब चेहरों को आप लोग बाई नेम आप पहचान गए। कैसा एक समागम जो यहां है 36 कौम के लोगों का, ये निश्चित रूप से उन लोगों की नींद उड़ा रहा है, उनके दिमाग में कुंठा भर रहा है। और जब दिमाग में कुंठा जब भरती है तो निश्चित रूप से वो वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं बाहर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल जी ये कर दिया यार, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अपने को उनके आरोपों का कोई ध्यान नहीं रखना, अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल रात और दिन जगे हमारे मान और स्वाभिमान की का झंडा राजस्थान में बुलंद करने की बात करता है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलके अपने भाई को अपने बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूती देके और राजस्थान की सत्ता के शिखर पे उनको पहुंचाएं, ये काम हम सबको मिलके करना है। मैं इस सदस्यता अभियान के बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। आज अभी आप लोगों ने देखा सदस्यता अभियान जो चल रहा है ये हमारा 31 जुलाई से बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम में हनुमान जी ने इसका आगाज किया और 31 अगस्त तक वो चलेगा। आपने कभी देखा कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है हम इसको इतना पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं कि रोज के रोज 10 योद्धाओं के नाम आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके फोटो के सहित कि आज सबसे अच्छा काम किसने किया। और गीता भी यही उपदेश देती है और उस उपदेश को आपको सबको ध्यान रख के घर जाना है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और ये इसके अंदर बिल्कुल चरित्रार्थ होगा। आप देखना जब 31 अगस्त को हम लोग राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपका ये सदस्यता का महाअभियान चल रहा है अब ये आज से बाड़मेर में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चलेगा। हम ये जो एक सदस्यता से सत्ता की ओर जो बुकलेट हम लेके आए हैं ये शायद मेरे हिसाब से आप सबको मिल गई होगी लगभग, और जिनको नहीं मिली वो सब यहां से ये बुकलेट लेके जाएं। इस बुकलेट के अंदर जब आप खोलोगे इसको इसके अंदर 100 पन्ने हैं, 100 पन्नों में ऊपर जो लिखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता से सत्ता की ओर सदस्यता महाअभियान 2023, इसमें नाम मोबाइल नंबर जिला विधानसभा और सदस्यता क्रमांक। ये कुछ लोगों को इसके अंदर शायद अभी समझ में नहीं आया, कई लोगों ने मुझे फोन टेलीफोन भी किए। सदस्यता क्रमांक आप जब भी किसी के घर जाओगे, और हमें एक काम करना है जिस घर में चले गए ना वहां हमें यही आग्रह करना है उनका मोबाइल लेके और उनके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सबको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ना है। कई लोगों ने मुझे टेलीफोन पर यह कहा हम परिवार के एक व्यक्ति को जोड़ लें, नहीं हम तो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और जितनी हमारी संख्या बढ़ेगी उतना ही उतनी ताकत हनुमान बेनीवाल को मिलेगी। इसलिए जिस घर में भी जाएं उनके मोबाइल नंबर उनका मोबाइल आप लें उनसे आग्रह करके, और उस मोबाइल से आप 7732877328 7732877328 इस नंबर पे जब आप मिस कॉल करोगे तो 6 नंबर का डिजिट उस नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां लिखना है, ये लिखेंगे। अब दूसरा इसके साथ साथ एक और चल रहा है, ये तो जो ही आपने मिस कॉल दिया और आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर जुड़ गए। और गांव का नाम हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आजकल मोबाइल जो है वो भी आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए सारा उनका एड्रेस जो है वो हमारी आईटी टीम के पास अपने आप आ गया। इसलिए हमने विधानसभा जिला और मोबाइल नंबर यही चीज लिखे। अब आपको जो मेहनत कर रहा है और निश्चित रूप से हनुमान जी एक बात कहते हैं कि भाई मेहनत करोगे तो पाओगे, बिल्कुल। इसलिए इसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो वास्तव में मेहनत कर रहा है उसी को उसका प्रतिफल मिले। जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं जब रात को 2:30 बजे बाड़मेर में मैंने प्रवेश किया और दस देर तालाब जो है जिसे मेरी यादें जुड़ी हुई है कि पार्टी के गठन से पहले जब बाड़मेर की बहुत बड़ी रैली हुई इसमें से बहुत कम लोग
मुझे यूं लगे कि हम पहले कहीं मिले, उसके बाद मेरा यहाँ आना कम हुआ। आपको जान के और बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो छत है ना, इस छत से दुगुनी ऊंचाई तक के बबूल इस पूरे मैदान के अंदर थे। हमने 7 दिन तक, मैं यहाँ व्यक्तिगत भी उपस्थित रहा और हमारी पूरी टीम ने बहुत बड़ा मैदान यहाँ माँ ओंकार रैली के लिए तैयार किया। और मेरे हिसाब से जब पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले जो मंच पे बैठे हैं ये भी ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, हनुमान जी के भाई हूँ, क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता। मैं हमेशा, जैसे ये बच्चे, आज कई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, कोई मंच के इर्द गिर्द काम कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, हम भी ऐसे ही सेवा करते थे। धीरे धीरे हनुमान जी के मन में ये चीज आई कि ये व्यक्ति वास्तव में सेवा कर रहा है, और मॉनिटर कोई ना कोई आपको जरूर कर रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखें। एक एक बार कहते हैं अकबर ने ये कहा बीरबल को कि पूरे गांव के अंदर एक नया तालाब खुदा के, और पूरे गांव के अंदर ये कहा एक एक बाल्टी जो है उसमें दूध की डालनी है ताकि तालाब भर जाए। तब जो आलसी व्यक्ति थे उन्होंने कहा मैं एक बाल्टी नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तालाब तो वैसे ही भरना है। यूं करते करते सबने ये सोच लिया, और सुबह जब देखा तब पता लगा कि एक बूंद भी उसके अंदर दूध की नहीं थी। इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें काम करना है, हम काम करेंगे तो हनुमान जी के पास भी रिपोर्ट जाएगी, हनुमान जी के पास नहीं जाएगी तो उमेश जी के पास जाएगी, पुखराज जी, राजू जी, हमारे खान साहब बैठे हैं, सत्ताराम जी बैठे हैं, जिला के प्रभारी बैठे हैं, तहसीलों के प्रभारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपको पक्का मॉनिटर करेगा। इसलिए ये दूसरा जो कॉलम हमने इस बार वो किया है, एक जो आप इसका जो सदस्यता क्रमांक आएगा, अपनी आप खुद की भी आईडी बना के और अपनी आईडी से उसको वहां भेजोगे आप, तब हमारी आईटी टीम जो है वो अलग से एक आंकड़ा तैयार करी है कि किस व्यक्ति ने आज सबसे ज्यादा सदस्य बनाए। अभी बाड़मेर के अंदर शायद मेरे हिसाब से शायद कोई टॉप 10 में आया नहीं है, लेकिन आज की जो आपकी ऊर्जा मैंने देखी है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आजकल में कहीं ना कहीं बाड़मेर की टीम के कई व्यक्ति जो है टॉप 10 में भी आप लोग आएंगे। अभी का सबसे लंबा जो आंकड़ा आया है 60,000 जो सदस्यता का जो आंकड़ा है वो नागौर जिले का ही, अभी सबसे ज्यादा जो आंकड़ा जो है वो नागौर जिले का है। और आपको देखो पाली के अंदर हम बहुत बड़ा हमारा संगठन खड़ा नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी पुखराज जी सुथार का एक फोटो आप देख रहे हो साफे के अंदर, वो डेली उसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इसका मतलब मेहनत आप लोग करोगे तो हर जगह हनुमान जी के चाहने वाले, उनकी विचारधारा को चाहने वाले लोग राजस्थान के गांव गांव और ढाणी ढाणी तक आपको मिलेंगे। इसलिए आपको प्रयास इतना ही करना अब क्या, ये बुकलेट जो आपको दी है ये और भी जब जरूरत पड़ेगी आपको देंगे। इस बुकलेट से आपको ये सदस्यता क्रमांक का लिख के और यहां से ये जो डॉट 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 लगे हैं इसको फाड़ के ये तो आप उसको देना है, वो पढ़ेगा कि भाई हम हनुमान जी बेनीवाल से क्यों जुड़े। कहीं ना कहीं यदि हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, तो सबसे पहले उसका लिटरेचर का ज्ञान होना अपने को जरूरी है कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिससे हम उनकी तरफ झुके। तो ये जो लिटरेचर यदि पढ़ेगा वो व्यक्ति, तो लोगों का बरगड़ाया हुआ व्यक्ति जब ये हमारा हनुमान जी की विचारधारा को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से हनुमान जी की तरफ आकर्षित भी होगा। इसलिए यहां से फाड़ के और ये बुक जो है ये वापिस आपको यहां जमा करानी है, ताकि सारे लोग ऑनलाइन जुड़ नहीं पाएंगे, ऑनलाइन से कम 3 गुना, क्योंकि आज देखने को ये मिल रहा है गांव में कई बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं है, हमारी कई बहन बेटियों के पास मोबाइल नहीं है, कई जगह नेटवर्क की समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम ये लेकर आए। और दूसरा, जिस घर में आप जाओ और 4-7 लोग हैं, 4 लोगों के पास मोबाइल है, 3 के पास नहीं है, तो ये सदस्यता क्रमांक जो है यहाँ आप कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जब मिस कॉल नहीं दोगे तो फिर सदस्यता क्रमांक क्या लिखोगे। उस स्थिति में आपको यहाँ रेफरेंस जो उसके घर के मुखिया का या किसी भी एक्टिव व्यक्ति का रेफरेंस है वो रेफरेंस लिखे और उसके मोबाइल नंबर आप यहां लिख दो, ताकि हम जब सूची तैयार करेंगे उसके अंदर अपने आप फीड कर लेंगे कि ये व्यक्ति किस परिवार से बिलोंग कर रहा है। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो भी सदस्यता क्रमांक का कॉलम आपको खाली नहीं रखना है, इसके अंदर उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है परिवार में उसका रेफरेंस नंबर लिख के, रेफरेंस लिखे और उसके मोबाइल नंबर आपको लिखना है। मोटा मोटी बातें तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये कोई रैली नहीं है, भाषण तो आपने हनुमान जी के और पूरी टीम के लगभग सुन ही लिए हैं, इसलिए आज भाषणबाजी का शायद नहीं है और काफी कार्यक्रम भी बहुत लंबा चल गया। और दूसरी बात, जो संगठन से बच्चे जुड़े हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रदेश के युवाओं ने
इस बार बहुत भारी तादाद के अंदर 5 साल में युवा जुड़े हैं और निश्चित रूप से क्रांति इस देश में ही नहीं, हम कहीं भी एब्रोड जब देखते हैं क्रांति का सूत्रधार युवा ही है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और अपने जोश के साथ यदि हम होश में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता पे काबिज भी हम एक दिन ओके रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें चाहिए, इस चीज का भी आप ध्यान रखो। और एक चीज हमें अब समझनी है, समय का प्रबंधन। आज जब उमेश जी ने मुझे कल कहा कि 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मुझे थोड़ा यूं पता होता ना घंटे 2 घंटे लेट है तो फिर मैं भी नागौर आराम से सोता। मैं पूरी रात जग के 2:30 बजे में इसलिए आके सोया कि मुझे सुबह 11 बजे उस कार्यक्रम में पहुंचना है। इसलिए युवा साथियों से ये अपील करूंगा, रैलियों में लेट होते हैं कोई बात नहीं भाई, रैलियों में तो आप हनुमान जी को सुनने के लिए आप फेसबुक पे देखते रहते हो, अब हनुमान जी पचपदरा पहुंचे, अब बायतू पहुंचे, बाड़मेर, तो आप उस हिसाब से आते हो। लेकिन संगठन की जहां मीटिंग हो उसके अंदर आज से ही ये संकल्प आप यहां लेके जाएं कि संगठन की मीटिंग में समय का बहुत विशेष ध्यान रखें। अभी समय पे कार्यक्रम शुरू होता तो हमारे हरदा राम जी जैसे 5-7 और भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनके भी हमें, क्योंकि बुजुर्गों की बातें बड़ी काम की होती है और बुजुर्गों की बातों को ध्यान में रखे और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति की बातों को ध्यान में रख के ही हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे, तभी निश्चित रूप से हमने जो एक टारगेट तय किया उसको हम अचीव कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आइंदा जो भी कार्यक्रम हो, संगठनात्मक कार्यक्रम जो हो, उसके अंदर समय का आप ध्यान रखें, समय पर आपकी उपस्थिति वहां प्रार्थनीय है। आइंदा जो भी कार्यक्रम होंगे, मुझे ये ध्यान नहीं था आज इतना बड़ा यह प्रोग्राम, ये मैंने सोचा जरूर था, मेरे दिलो दिमाग में था, मैंने कहा 400-500 व्यक्ति होंगे, लेकिन आज आप 1000 से ज्यादा की संख्या में आप उपस्थिति आप लोगों ने दिखाई है, तो निश्चित रूप से आज मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आंकड़ा जब सदस्यता का ऑनलाइन देख रहा था तब तो उमेश जी वहां क्या कह रहे थे 4-5 लाख बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा संशय हुआ इस कार्यक्रम आने से पहले जब मैंने ऑनलाइन वो चेक किया तो उसके अंदर थोड़ी सी बाड़मेर की जितनी होनी चाहिए, आज 46-60 हजार नागौर की है तो मेरे हिसाब से 50-60 हजार ही बाड़मेर की होनी चाहिए थी, तो नहीं पहुंचे तो मुझे डर लगा, लेकिन आज आपकी जो उपस्थिति मैंने देखी है और सब लोग बड़ी तल्लीनता से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव जो है वो 2023 के अंदर आएगा और किसान का बेटा जो रात और दिन जाग के किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने की जो बात हनुमान बेनीवाल जी जो सपना देख रहे हैं वो सपना साकार होगा। और एक बात, अभी चूंकि जिले के संयोजक भाई उमेदाराम जी को वहां से बना दिया था और उसके बाद बालोतरा जिले का नया नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जिले के संयोजकों के साथ साथ जिले के सहसंयोजकों विधान इसमें पूरा हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। आप गांव के व्यक्ति हो और लगभग लोगों ने हमारा उपग्रह कैसे ऊपर जाता वो देखा कि नहीं देखा, लेकिन गांव में जो सीमेंट का पोल पहले खड़ा करते जब हम छोटे थे तब देखते थे, पोल खड़ा करते थे ना तब सब लोग आके एक साथ हाथ लगा के फिर वो बोलता जोर लगा के ही शक बोलते कि नहीं बोलते, तब वो खंभा खड़ा होता, वरना उस खंभे को 100 लोग भी खड़ा नहीं कर सकते। यदि वो शब्द आप नहीं बोलो ना तो मेरे हिसाब से उस खंभे को 100 व्यक्ति भी खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए बल जो है वो अपने को एक साथ लगाना होता है तब हम टारगेट पे पहुंचते हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। अभी कार्यक्रम अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया, अब हम कुछ लोगों की जिला संयोजक के बाद हमने प्रदेश का संयोजक पुखराज जी को बनाया, पुखराज जी को जब संयोजक बनाया मेरी बड़ी इच्छा थी इस बार कि मैं इस कार्यक्रम से थोड़ा भाषणबाजी से दूर रह के और मैं थोड़ा दूसरा काम संगठन में करूं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी कि नहीं पुखराज जी के साथ साथ विशिष्ट संयोजक नारायण जी को बनाना है, तो हनुमान जी ने मुझे ये कार्य ये माला मेरे गले में डाल दी। उसके अलावा हमारे जो अलग से संयोजक बने प्रदेश के उनके साथ साथ हमारी संभाग स्तर की जो टीम है, संभाग का संयोजक और संभाग का सह संयोजक, संभाग के हमारे संयोजक भाई राजू राम जी को बनाया जोधपुर जिले का और सताराम जी चूंकि बुजुर्ग है, मैं तो धन्यवाद दूंगा इनको कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया मैं राजनीति नहीं करूंगा, बाकी तो कब्र में पैर लटकते हैं तब तक कहते हैं नहीं MLA तो मैं ही बनूंगा, आपने देखा कि नहीं देखा, इसलिए एक बार आप ताली इनके लिए भी बजाओ कि इन्होंने दिल के सच्चे व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई लाग लपेट इनके मन में है नहीं, इसलिए इन्होंने कह दिया, विचार अपने व्यक्त कर दिए। इनको राजू जी के साथ आशीर्वाद देने के लिए सब संयोजक इनको लगाया था। अब ये जो जिले के संयोजक जो हैं, जिले के संयोजक आपको उम्मेदाराम जी को बना दिया, अब जिले के संयोजक के बाद जिले के सह संयोजक
और उसके बाद प्रत्येक विधानसभा के संयोजक और सहसंयोजक, और प्रत्येक विधानसभा वाले जो हैं आप लोगों की घोषणा यहां से कर देंगे, आप लोग आपस में कम्युनिकेशन करके वहां जाके विधानसभा स्तर पे, और आपको मंडलों के संयोजक और सहसंयोजकों की घोषणा करनी है, और जो मंडल का जो संयोजक और सहसंयोजक होगा वो विधानसभा संयोजक की परमिशन भी लेंगे। ये भी ध्यान रखना, हमें एक चीज सीखनी है, संगठन कैसे चलता है कि छोटा व्यक्ति जो है वो बड़े का सम्मान रखे, और बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे के विचारों का ध्यान रखें कि वो क्या विचार कर रखा है। कई बार ऐसा होता है, पहले बड़े परिवार होते थे, ये बुजुर्ग अर्धाराम जी बेटा सब जानते हैं, मैं भी संयुक्त परिवार का हिस्सा रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो कह देते थे वो सब मानते थे, लेकिन वो चौपाल बैठ के सबको साथ लेके पूछते थे, बता भाई तू आज तू उदास कैसे, बता तेरी क्या समस्या है। इसलिए हमारे समाजों में आपने कभी सुना क्या पहले के कोई आत्महत्या को किसी ने सुनी, हमारे किसान परिवारों में आत्महत्या, उसका कारण यही था कि उदास जब कोई व्यक्ति होता था तो बूढ़ा बुजुर्ग जो व्यक्ति होता था उस परिवार को जो चलाने वाला, और परिवार के काका बाबा जो भी होते थे वो पूछते थे छोरे तू उदास बहुत है आज क्या कारण है, तो अपने मन की भड़ास कहीं ना कहीं निकाल देता। अब तो एक एक सिंगल परिवार हो गए, वो अपनी उदासी को मन में लिए घूमता रहता है, घुटता रहता है, और आखिर में लास्ट में कोई चारा नहीं दिखता क्योंकि सामाजिक ताना बाना बिखर गया। मनुष्य तो जब पैदा होता है स्कूल में जाता है, सबसे पहले उसको लाइन जो सिखाई जाती है स्कूल के अंदर कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब नया जो लिटरेचर आ गया उसमें समाज की कल्पना खत्म हो गई, और वो सामाजिक प्राणी धीरे धीरे एकाकी प्राणी हो गया, और एकाकी प्राणी से होने से विकसित देशों की तरह ये आत्महत्या जैसे जो पाप है वो भी हमारे बच्चे करने लगे, ये आप देख रहे हो। इसलिए संगठन चलाने के लिए हमें और कहीं से नहीं सीखना है, हमें हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे बड़े परिवार थे उनसे ही सीखना है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो कहते थे वो सब लोग करते थे, और बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो आम जो दूसरे लोग थे उनकी भावनाओं की बात को रोज सुनते थे। इसलिए जिनको पदाधिकारी बनाए उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नीचे जो भी हैं जुड़े हुए संगठन से और आम कार्यकर्ता है वो क्या कहते हैं, उनकी भावनाएं क्या कहती है, उनको हम तक वो अवगत कराएं, और कार्यकर्ता जो है वो उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि सबके नंबर एक साथ नहीं होते, सबके एक साथ नंबर थोड़े आएंगे। उसका उदाहरण मैं देता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज के अंदर, मेरे पिताजी उस टाइम जिंदा थे, और छोटा भाई जो मेरे से छोटा था वो ट्वेल्थ के बाद उन्होंने कहा मैं काम करूंगा। तब ये अपने परिवार में ये होता था जब बच्चा पढ़ाई छोड़ देता था तब सबसे पहले कहते थे पढ़ाई छोड़ दी अभी इसकी शादी कर दो, वो जो छोटे वाला भाई था उसकी शादी तय कर दी। अब मेरी क्या जिम्मेदारी थी, अब दो ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो मैं अपने पिताजी से रूठ जाता कि नहीं पिताजी छोटे की शादी पहले कैसे कर रहे हो, और दूसरा ये कि मैं सेंट वेंट लगा के और उसकी बारात में आराम से जाता एंजॉय करता, यही था ना, मैंने वो रास्ता चुना, उसकी शादी में आराम से गए सेंट वेंट लगा के डांस किया तो आज हमारी भी शादी हो गई, और मैं उस टाइम लड़के अलग हो जाता तो क्या होता, यूं ही घूमता है, सही है ना। इसलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं, देखिए हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आप आज जो आए हैं ना, मैं कह रहा हूं हनुमान बेनीवाल जी के लिए सब एक से बढ़ के एक हो, लेकिन अब आपको ये कह दिया जाए कि साहब इनमें से अभी अभी जो आज की तारीख में आपको 20 लोगों को चुनना है, तो बाकी के जो बच्चों आप लोग नाराज होकर नहीं जाना, आपको ये कोशिश करनी है कि 20 भाइयों को जो मौका मिला है इनको हम सपोर्ट करें और इनको हम परफॉर्मेंस दिखाएं ताकि हमारी बात हनुमान जी तक पहुंचे और अगले जो 20 है उसमें हमारा नंबर हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी संगठन चलता है। संगठन अनुशासन के बिना संगठन नहीं चलता, और अनुशासन ये होता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। भाई हनुमान जी हमारे बॉस, उन्होंने पुखराज जी को पूरा पावर देके भेज दिया आज इस कार्यक्रम के लिए, तो भाई पुखराज जी जो घोषणा करेंगे वो हम सबको यहां से मान के जानी है। इन्होंने जो मुझे ये एक डायरी सौंपी है, इस डायरी को भी मैं आपके सम्मुख पढ़ के सुना रहा हूं कि जिले के संयोजक भाई उमेदाराम जी बेनीवाल को वहां से नियुक्ति हो गई थी, उसके बाद जिला से संयोजक पद के ऊपर हमारे भाई थान सिंह जी राजपुरोहित जो डोली से आते हैं, जालाराम जी पालीवाल, गजेंद्र जी चौधरी, दायम खान जी फौजी साहब, देखिए फौजी साहब को साथ लेना बहुत जरूरी है, जय जवान जय किसान के बिना मेरे हिसाब से जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसको हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और हरदाराम जी पटेल, इनके साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद, बहुत मैं तो कह रहा हूं बहुत सोच समझ के आपने जो जिला के जो शेष संयोजकों की घोषणा की है। उसके अलावा हमारी चौटन विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भाई कंवरा राम जी पालीवाल और सह प्रभारी के रूप में गेमरा राम जी बेगवाल,
और नेपाल सिंह जी चौहान, बाड़मेर के लिए प्रभारी जोगाराम जी डूडी और से प्रभारी कुलदीप जी मेघवाल और प्रहलाद जी बांगड़वा, बायतू के लिए प्रभारी भाई ओम प्रकाश जी काकड़ और से प्रभारी के रूप में समय खान जी पाटोदी और कानाराम जी लेगा। जो सिवाना विधानसभा है उसमें प्रभारी जोधाराम जी पटेल और से प्रभारी तेजपाल सिंह जी राजपुरोहित और मगाराम जी बेनीवाल। पचपदरा जो है उसमें प्रभारी भाई दलवीर सिंह जी राजपूत और से प्रभारी छगन जी बेनीवाल और जेटू सिंह जी राजपुरोहित। और हमारी गुड़ा मालाणी की जो सीट है उसमें प्रभारी ताजाराम जी सियाग और से प्रभारी जयराम जी कुलदीप पूर्व प्रधान और हरिराम जी जाजड़ा सरपंच ग्राम पंचायत डबोई। शिव विधानसभा से प्रभारी भाई चूनाराम जी बेनीवाल और से प्रभारी चूनाराम जी भील और एडवोकेट सोनाराम जी मेघवाल, इनकी नियुक्ति की का आदेश मुझे इन्होंने दिया पुकरा जी ने, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूँगा, आज ये डायरी आप घर लेके जाएंगे, ये डायरी भी वापस आपको जमा करानी है क्योंकि इसकी भी सारी की सारी एंट्री हमें वापस करनी है, क्योंकि अभी ये तो पता लग जाएगा मिस होल से किसने कितने मेंबर बनाए, लेकिन कौन सा गांव क्या कौन सी क्या विचारधारा है उन सब की हमारी आईटी टीम जो है सर्वे के लिए भी लोग आपके पास आएंगे, सर्वे के बारे में पूछेंगे, अपने को खुल के उनको विचार बताना है। अभी कई बार बच्चे हमें फ़ोन करते हैं कि साहब एक लड़की का फ़ोन आ रहा है कि मैं आरएलपी की ऑफिस से बोल रही हूँ, तो वो आरएलपी की ऑफिस से बोल रही है कि नहीं बोल रही है, ये बात सही है। इस टाइम कई ठग विद्या भी कई लोग चलाएंगे, लेकिन अपने विचार आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अपने भाई हनुमान बेनीवाल को मजबूती कैसे मिले, इसके लिए चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, बहुत संयमित और कम शब्दों में और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप कैसे कर पाओ, इसके लिए आप सबको तैयार भी रहना है। और ये जब बुक जो है ये अभी जो जिले के और विधानसभाओं के संयोजक और सहसंयोजक हो गए, इसके बाद ये मंडल और मंडल के बाद ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के बाद हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है जिसको सबसे मजबूत और वही व्यक्ति धरातल में काम करेगा बूथ प्रभारी, बूथ का हमारा जो संयोजक होगा संयोजक और सह संयोजक, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे गांव के अंदर किसी छोटा गांव में एक बूथ है वहां अपने को दो व्यक्ति मिल गए, जहां दो बूथ है वहां चार व्यक्ति मिल गए, और जहां तीन तीन बूथ, बूथ का मतलब विधानसभा या लोकसभा के बूथ, वो अपने को वार्ड जो है ना पंचायत के वो नहीं देखने, वो देखे गांव में 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 है, हमें सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में जो बूथ हमारे बनाए हुए हैं उनके बूथ के संयोजक और सह संयोजक हमको बनाने हैं। ये डायरियों की जहां भी और भी आवश्यकता होगी आप लोग बराबर हमारे जो एक सिस्टम के मार्फत देखने में ये आता है कि हर आदमी जो है वो हनुमान जी को फोन कर रहा है, एक व्यक्ति है आप सब जानते हो, एक व्यक्ति की ऊर्जा भी सीमित होती है, वो भी थक जाते हैं। आप एक चैनल के माध्यम से यदि आपको ये लगे कि इतना गंभीर इश्यू है जिसमें नारायण जी पुखराज जी हनुमान जी की हमें मदद लेनी है, तब तो आप हम लोगों को टेलीफोन करें, और कई बार टेलीफोन नहीं उठाते तो आप एक टेक्स्ट मैसेज जरूर छोड़ दें ताकि जब भी हम फ्री हों, क्योंकि अभी ये भाषण चल रहा है मुझे पता है मेरी विधानसभा से कितने फोन आएंगे, शाम को ओड़वा भी देंगे कि एमएल साहब फोन नहीं उठा रहे चुनाव आ रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है और उसने अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ दिया तो मैं यहाँ से फ्री होते उन सबको फोन भी करूँगा, उनका क्या फीडबैक है वो भी हम लोग लेंगे। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपको बूथ लेवल को मजबूत करके, और ये डायरियाँ जो है हमारे बूथ के संयोजक और सह संयोजक के हाथ में डायरी होनी चाहिए, जब ये डायरी उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी तब हम जो अचीवमेंट हमें करना चाहते हैं 4,05,000 का, तो निश्चित रूप से हम वो आंकड़ा पार कर लेंगे, क्योंकि नागौर की बात बताऊं 1600-1700 गांव है, या बाड़मेर में भी सही गांव कितने हो गए टोटल अब तो बहुत, नहीं नहीं बाड़मेर जिले के अंदर बहुत 1100 अब तो 1100 नहीं और ज़्यादा हो गए, छोटे छोटे गाँव इस बार खूब हुए हैं, तो उन लोगों को हम सक्रिय भागीदारी यदि हम निभाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा जो हमने टारगेट लेके चल रहे हैं। और ये टारगेट हनुमान जी ने 25 लाख का दिया है, लेकिन आपका जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद जिस हिसाब से मिल रहा है मुझे ये लग रहा है कि 31 अगस्त तक हम ये आंकड़ा कम से कम 50 लाख को पार करेंगे, नहीं ये निश्चित है। इसलिए इसके साथ आप अभी से आप लोग लग जाएं, अभी जब भी आप गाँव जाएं, जिनका जिनके पास मोबाइल है मिस कॉल दे दिया, और मिस कॉल के अलावा ऑफलाइन का ये जो काम, इसके दो फायदे होंगे, एक हमारा मेंबर जुड़ जाएगा और एक उसको ये पता लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल की जो टीम है वो कहीं ना कहीं हमारे सुख दुख में जरूर आड़े आएगी, क्योंकि कम से कम गांव में बैठा व्यक्ति ये कहता है
दोनों पार्टियों से जब छोड़ने का मन होता है तो वो कहता है साहब इन दोनों को तो हम छोड़ रहे हैं लेकिन हम भरोसा किस पे करेंगे, ये बात उसकी वाजिब ही है। वो भरोसा करेगा उन बूथ लेवल के जो हमारे संयोजक और सह संयोजक है, इसलिए बूथ के संयोजक और सह संयोजक वो अच्छे व्यक्ति आपको चुनने और वो जाके गांव में भरोसा दिला के जाए दिलाएं कि हम ही हनुमान बेनीवाल हैं, सही काम के लिए हम ही हनुमान बेनीवाल हैं और हमें ये चीज का ध्यान भी रखना है। अभी 2-3 महीने का जो चुनावी समय है, इस टाइम कुछ लोग ऐसे भी हमारे नज़दीक आएंगे जो हालांकि विचारधारा से हमसे नहीं जुड़े लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं ये दुपट्टा गले में डाल करके अपराध कर दें ताकि अखबार में अंदर ये छप जाए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए ये जो है इसको आप कपड़े का खाली बफलर मत समझिए, गांव में क्या नहीं हो तेवट हो 7-8 तोड़ा 10 तोड़ा हो, और हनुमान जी बेनीवाल का जो पार्टी को वो जो पट्टो है वो दुपट्टो आपने और नैतिक वो गला मानता है, इतनी नैतिक जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि एक किसान को बेटो रात और दिन संघर्ष करियो है एक वास्ते बांका मान सम्मान में कदी कोई ठेस नहीं पूछे, एड़ो काम आप सब लोगों ने करना है। एक बार पाछो मैं आप सब लोगों ने दिल की कह रहा हूँ धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि बाड़मेर के मायने आप बहुत बड़ी संख्या में आप छोटी सी सूचना माध्यम इकट्ठा हुआ और बाड़मेरू बहुत बड़ी अपेक्षा हनुमान जी ने आप देखे ओला कि नागौर और बी के बाद सबू ज़्यादा यदि प्रोग्राम और आपके रैलियाँ और एक कार्यक्रम है तो मारा हिसाब बाड़मेर में ही हुआ। आप लोग खूब हनुमान जी को लाड प्यार प्रेम राख्यो, मन ध्यान है अभी मीडिया का बंधु भी खड़ा है, हाँ मैं लगभग 1-2 लोगों ने छोड़ कही नया भी है बद रैली हुई जब मन ध्यान है लाखा राम जी में 2-3 जगह पत्रिका भास्कर में महेंद्र जी कई लोग आठ उसमें खबर छपी थी राजस्थान की नहीं नेशनल लेवल पे और आज तक पे भी चला था भाई बोरा जी उस टाइम आज भी हैं वो मैं इसके अंदर और हमारे जो भाई न्यूज 18 की और फर्स्ट इंडिया की जो टीम है इन लोगों ने हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने हमेशा इन लोगों ने प्रेरित भी किया। मैं मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, उस टाइम खबर छपी थी नेशनल लेवल पे कि हनुमान जी की जो हुंकार मारे लिए बाड़मेर की उसको 4.5 लाख लोगों ने लाइव देखा था, वो खबर मेरे पास आज भी कटिंग पड़ी है बहुत बड़ी, 4.5 लाख लोगों ने तो अपने घर बैठे देखा और 4-5 हुजूम यहाँ जो उमड़ा था उससे निश्चित रूप से राजस्थान में जो नेता जो अपने आप को झूठाई किसान नेता कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर पे ही सील लगा के ठोक दिया, देखते ना एक अखबार पढ़ने को मिलता है फलाना किसान नेता ने जानकारी दी, बाबा गरीब सील है ओला किसान नेता, किसानों के नेता तो वो है जिन्होंने किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा। तो अब वो जो किसानों के जो झूठे नेता बने उन लोगों के पेट में दर्द भी होगा, अब 2-3 महीने जब तक आएगा वो अनर्गल बयान भी लगाएंगे, आप लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास भी करेंगे जाति धर्म अगड़े पिछड़े छोटे मोटे नाम से। तो मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे कर रहा हूँ, आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को आदर्श मानते हैं 36 कौम को साथ लेके और सही दिशा में आगे बढ़ के हमें एक ही चीज़ सोचनी है कि गाने हनुमान जी पे देखे ना आपने कि बेनीवाल 5 साल से नहीं सोया, 5 साल नहीं 10 साल होगी नहीं सोया ना, तो जो आदमी थकवाद 5-10 साल नहीं सोते ना तो अभी भी आदमी वास्ते भी अपन 3-4 महीने को नहीं छोड़ो है, जिस चीज को ध्यान रख और सही दिशा का मायने अपन आगे बढ़ और आपका जगह मनसूबा है कि जवान और किसान को झंडो राजस्थान के मायने स्वाभिमान को झंडो राजस्थान में बुलंद हुए, इस सब चीजों को आपने ध्यान रख और आगे बढ़ना है। एक बार पाछो आई शब्दों के साथ है मैं आप सब लोगों का उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध कर और आ शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम देऊं, सब लोग एक जाजम पे बैठ 36 गोम का लोग और आपका बेटा आपका भाई हनुमान बेनीवाल ने बहुत मजबूत करी जो धन्यवाद राम राम साह जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर आज हमें सही दिशा देने के लिए हम सबके आदरणीय हमारे आदर्श पुखरा जी गरग साहब नारायण बेनीवाल जी राजू राम जी खोजा साहब पधारे आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सभी युवा साथियों से कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप सभी लोग भोजन करके ही घर जाएं। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप वहाँ नीचे जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है वहाँ पर व्यवस्था संभालें।